गुड इवनिंग सभी छात्रों को गुड इवनिंग आशा आप मुझे सुन पा रहे हैं आशा आज मुझे देख पा रहे हैं और आपका वीकेंड बहुत अच्छा रहा आपने इस दौरान अपना रिवीजन भी किया और एकदम प्रेरित हैं अपनी क्लास को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए वायुमंडल पे चर्चा चल रही है मेरे ख्याल से उत्तर भारत में काफी भारी वर्षा है पिछले दो दिनों से हर राज्य में वर्षा की भारी वर्षा की खबर है अच्छी बात है मानसून में आनी भी चाहिए और इसी के साथ एक एक अनुभव जो आपका जुड़ा होगा आर्द्रता वर्षण तो आज उसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे सो so, वो सब बात होगी सभी लोग क्लियर सो so, मधुबनी में 33 26 ह्यूमिडिटी 66 प्रतिशत है uh, सुमन चौधरी जी बता रही हैं बहुत अच्छी बात है सूर्योदय हुआ है पांच बजे वेरी गुड सर uh, हरियाणा सोनीपत में अधिकतम अट्ठाईस और मिनिमम चौबीस तो आप देख रहे हैं तीस डिग्री के नीचे भी जाने लगे अधिकतम दृश्यता तेरह किलोमीटर है विंड दस किलोमीटर पूर्वोत्तर बहुत अच्छी बात है गुड इवनिंग सभी छात्रों को गुड इवनिंग प्रणाम वेलकम सर क्लास के बाद एनसीआरटी बुक पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आता है बिल्कुल क्लास के बाद पढ़ेंगे तो खासकर ये तकनीकी क्षेत्र हैं इनमें जब आपको क्लास की समझ हो जाएगी तो बहुत बढ़िया से समझ आएगा और एक और चीज बता दू उत्तर लेखन के लिए जब छात्र मुझसे पूछते हैं तो उत्तर लेखन के लिए दो चीजें चाहिए एक तो विचार और दूसरा उनकी अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन ऑफ दोज आइडियाज थ्रू लैंग्वेज उन्हें भाषा में भी तो पुट करना होगा सो भाषा के लिए एक अच्छा सैंपल मिलता है एनसीआर टी सो जरूर पढ़े <laughs> तो जब पढ़ाई का इतना मजा आने लगे आने लगा है कि अब कितना भी पढ़ो महसूस नहीं होता अरे दर्द इतना हुआ कि दवा हो गया बहुत बढ़िया भाई गुड इवनिंग सभी छात्र गुड इवनिंग सासाराम रोहतास में 28 34 सतहत्तर प्रतिशत आर्द्रता तो आज आर्द्रता पर बात करेंगे पिछली क्लास शायद आर्द्रता पर रुकी थी उसी पर बात करेंगे ठीक है चलिए गुजरात अंकलेश्वर हाजीपुर बिहार में सोनी कुमारी लिख रही है छत्तीस ट्वेंटी नाइन इज थ्री किलोमीटर्स अच्छी बात बहुत अच्छी बात है ज्योग्राफी ऑप्शनल कब से लगाएं सर आ, अभी समय है एक दो महीने में शुरू हो जाना चाहिए आ, मेरे ख्याल से तो अगस्त चल रहा है ना सितंबर में शुरू कर देंगे सर आपकी क्लास के बाद एनसीआरटी अच्छी लगती है इजी लगती है चलिए ठीक है रेखा जी कह रही हैं सर मुझे एनसीआरटी समझ में नहीं आता रेखा जी बाकियों के आ, आ, सुझाव से अगर आप कहें तो मैं चाहूंगा कि पहले जो मैं पढ़ा देता हूं उसके बाद वही वाला क्षेत्र पढ़िए आपको निश्चित रूप से आएगा स्लो मूवमेंट रैपिड मूवमेंट मास मूवमेंट क्या है तो ये जो है जो हमारी आजकल वर्षा हो रही है तो जब पानी आ, पानी जब पहाड़ी स्थल स्थलों स्थानों पर गिरता है तो वहां पर मैदानी क्षेत्र नहीं है ढाल है तो पानी जब जब उन, उन पर्वतों में उस मृदा में जब घुस जाता है उनके पोर्स में छिद्रों में घुस जाता है तो उससे धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो जो उनके अंदर के जो जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है चट्टानों की चट्टानों के अंदर जो घुलिए पदार्थ होते हैं घुल जाते हैं तो उससे कभी कभी क्या होता है कि चट्टानों की जो मृदा है जो कण है वो चलने लगते हैं चलने लगते हैं का मतलब चलना ऐसा नहीं कि चलने लगेंगे रपटने लगेंगे आप यूं समझिए कोई चीज ऐसी थी अगर उसमें हमने ढाल दे दी और उसके ऊपर कुछ रखा धीरे धीरे सरकने लगेगा इस सरकने को कहते हैं स्लो मोशन धीरे धीरे स्लो स्लोली इसको जो है हम स्लो मूवमेंट कहेंगे तो पर्वतों में ऐसा कई बार होता है इसमें अगर भूगोल वैकल्पिक विषय है आपका तो निश्चित रूप से इसको इसके प्रकार भी आपको जानने बट ढाल से जुड़ी हुई चीजें और इसमें कई बार क्या होता है पूरे के पूरे चट्टान का जो पूरा पूरा का पूरा पर्वत है उसकी पूरी मिट्टी जो है धीरे धीरे सरकने लगेगी और बहुत बड़ा खंड जो है सरकता है तो उसे कहा जाता है मास मूवमेंट बहुत बड़ा खंड जब धीरे धीरे सरकता है धीरे धीरे सरक रहा है धीरे धीरे सरकने में हमने देखा है कि जैसे खंबे हैं वो खंभे धीरे धीरे कुछ वर्षों में ऐसे टेढ़े हो जाते हैं पेड़ भी ऐसे लगते हैं कि थोड़े से टेढ़े हो रहे ऐसा लगता है ठीक है लेकिन लेकिन कई बार क्या होता है कि जब जब तनाव ज्यादा होता है और ज्यादा वर्षा हो गई और उसके साथ मानवीय कृत्य हमने डायनामाइट लगा के उन पहाड़ों को उड़ाया है चीजें और कमजोर हो गई सड़क निर्माण की वजह से तो कभी कभी ये प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे खिसकने की जगह एकदम अचानक खिसकेंगे उन्हें कहा जाता है सडन मूवमेंट और इन्हें कहा जाएगा भूस्खलन भूस्खलन लैंडस्लाइड भी कहा जाता है तो जैसे आपने देखा होगा कश्मीर में ये जो हमारी बात होती है यात्रा होती है यात्रा बंद हो गई Uh, केदारनाथ बद्रीनाथ अमरनाथ जो बड़ी बड़ी यात्राएं हैं हमारी इन सब में मार्ग में जितने भी हमारे यात्रीगण थे या जा रहे थे फंस गए क्यों क्योंकि ऐसी आपदा आती है जिसमें वर्षा का जल जो है वो अपने आप में एक तरह का लुब्रिकेंट का, का काम करता है और वो पहाड़ों को धीरे धीरे फिसलने में मदद करता है तो ये एन में दिया हुआ है आशा है संदर्भ में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ठीक है चलिए तो आज के मुद्दे पर आते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपने शहर के वेदर रिपोर्ट पर नज़र बनाए रखने के लिए सर क्लास के बाद पी भी समझ में आता है सर डोलड्रम क्या है बेटा उन्हीं पर चर्चा करेंगे अभी हम वहाँ पहुँचे नहीं हैं तो मुझे अवसर दीजिए वहाँ चल रहे ठीक है चलिए तो कुछ छात्रों से आ, रिक्वेस्ट है कि आ, क्लास से पहले एनसीआर और निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि ऐसा लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन क्लास में जब मैं उन्हें फिर से उपयोग करूंगा आप कहेंगे अच्छा पढ़ा तो था तो क्लास में उसका मतलब समझ में आएगा एंड क्लास के बाद आपको उसमें और भी समझ आ जाएगी चलिए तो पहले लगभग सात आठ मिनट हो गए हमने आपसे बात की और ये सारे शब्द जो हैं फिर से आपके सामने हैं वायु दाब क्या होता है वायु दाब ढाल क्या होता है डोलड्रम क्या होता है पवन वायुधारा आज इन सब पे बात होगी पवनों का विचलन क्या होता है विक्षेपण क्या होता है भूमंडलीय पवन क्या होता है स्थानिक पवन क्या होता है लेकिन एक छोटा सा विषय था आर्द्रता ह्यूमिडिटी निरपेक्ष विशिष्ट और सापेक्ष ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी एब्सुल्यूट स्पेसिफिक मैं इससे शुरू करना चाहता हूं आज की क्लास पवनों पर फिर से आऊंगा ठीक है तो कहां से कैसे शुरू करें कलम है कलम भी है और क्या चाहिए ओके सो थोड़ी देर के लिए आज का विषय आर्द्रता ह्यूमिडिटी छोटा सा विषय है आप वायुमंडल में वायु में नमी ये आप देख रहे हैं ये अनुभव भी कर रहे हैं तो इसी इसी को विषय को हम साथ में ले रहे हैं ठीक है तो ध्यान दीजिएगा तो इसको लिखना नहीं यहां पे लिखना नहीं है ये लिखना नहीं है जो यहां लिखूंगा वो लिखना है ठीक है तो हम एक काम करते हैं आप सब स्कूलों में पढ़े हैं कॉलेज में पढ़े हैं तो मैंने एक क्लासरूम बनाया एक कक्षा बनाई है क्लासरूम ठीक है इस क्लास में मैंने क्या किया शिक्षक के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया और बाकी छात्रों के लिए बेंच बना दिए कि छात्र इन बेंचों पर बैठ सकते ठीक है थीके? आने के लिए बीच में सीढ़ी भी रखी और सब चूज है इधर भी आने का रास्ता ये क्लासरूम है ठीक है सभी लोग क्लियर क्लासरूम है सो अब इसके यहां पर ये तो क्लासरूम है कक्षा है ये आपको नहीं लिखना है लेकिन यहां लिखना है हमारा वायुमंडल है वायुमंडल क्या है गैसीय आवरण गैसीय आवरण है हमारे पास ऑन ऑफ गैसेस ऑन ऑफ गैसेस है तो ये गैसेस से बना हुआ है अब इसमें इसमें छात्र आते हैं छात्र क्लास में आते भी हैं और छात्र क्लास से जाते भी हैं ठीक है तो इसमें एक छात्र की जगह एक छात्र की जगह हमारे पास क्या एक मॉलिक्यूल है एच टू ओ जलवाष्प जलवाष्प आ भी सकता है वायुमंडल में जा भी सकता है एक तरह की गैस है और हमने इसको क्या कहा था परिवर्तनीय परिवर्तनीय यह क्या है वेरिएबल कॉम्पोनेंट है ना बाकी गैसें तो फिक्स हैं जो स्थिर है वो गैसें स्थिर हैं बट ये बदल दी ठीक है अच्छा एक बात बताइए क्या इस क्लास में कोई अधिकतम सीमा होगी कि नहीं होगी या असंख्य स्टूडेंट आ सकते हैं जल्दी से बताइए पूनम जी क्लास इलेवंथ का कौन सा चैप्टर पढ़ना है पूनम जी प्लीज जाइए क्लास में देख लीजिए और पूनम जी आपको ये नहीं दिखाई देता है कि क्लास के हर शुरुआत में लिखा होता है इकाई चार जलवायु तो ऐसे मजाक मत करिए और ये चैट वाले स्टूडेंट्स टाइम ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं ठीक है तो बच्चों असंख्य जा सकते हैं क्या असंख्य जा सकते हैं नहीं सर एक सीमा होगी तो कक्षा की एक सीमा होगी तो वायुमंडल में पहला बिंदु यह है वायुमंडल में मॉइस्चर होल्डिंग आर्द्रता ग्रहण करने की एक अधिकतम सीमा है ठीक है अधिकतम सीमा सो so, हमारा वायुमंडल किससे बना हुआ गैसों से बना है। बहुत सारी गैसें हैं और उन गैसों में उन गैसों में बहुत सारा डिस्टेंस है गैस के मॉलिक्यूल में तो उस गैप में जाके जलवाष्प घुस सकता है समझ में आ गया जलवाष्प भी गैस है तो हमारे पास क्या है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है कार्बन डाइऑक्साइड है बाकी सारी गैस है उसमें जलवाष्प जाके छुप सकता है लेकिन 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 असीमित नहीं है भाई एक सीमित मात्रा में जा सकता है क्लियर जैसे छात्र हैं तो छात्र इस क्लास में अंदर जा सकते हैं, जा सकते तो छात्र अंदर जा सकते एंटर कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं छात्र कर सकते हैं तो जलवाष्प का एंटर कहलाता है जलवाष्प वायुमंडल में जब एंटर करेगा उसको क्या कहते हैं इवेपोरेशन इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण जब वाष्पीकरण होता है तो जल से जल से वाटर कन्वर्ट्स इन टू वाटर वेपर वो वेपर बन गया और वायुमंडल में चला गया ठीक है लेकिन बच्चे क्लास से बाहर भी आ सकते हैं तो एग्जिट क्या होता है जब ये वायुमंडल को छोड़कर वापस वापस संघनित हो जाए जल बन जाए या बर्फ बन जाए तो उसको क्या कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन संघनन सभी लोग क्लियर तो जलवाष्प असीमित मात्रा में नहीं जा सकता वायुमंडल में हर वायु का हर वायु की एक सीमा होती है एक निर्धारित तापमान पर एट अचर सभी को समझ में तो बच्चों जब आप कहते हो जब आप कहते हो कि मेरे यहां की आर्द्रता 66 प्रतिशत सिक्सटी सिक्स परसेंट एटी सेवन सतासी प्रतिशत बानवे प्रतिशत जब आप ये बात करते हो तो यानी ये इसका परिचायक है कि आपके वायु में कितनी हवा जलवाष्प है ठीक है यहां तक क्लियर अच्छा अब एक और चीज करते हैं अब क्या इन बच्चों को नापा जा सकता है इनका मेजरमेंट माप सकते हैं कि नहीं ठीक है सो ए बी सी ए बी सी सो आर्ता क्या है आर्ता है वायु में व्याप्त जलवाष्प वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर इज ह्यूमिडिटी यह बढ़ भी सकता है घट भी सकता है प्रक्रिया का नाम क्या है वाष्पीकरण और संगणन आप सबने बचपन से देखा है वाष्पित होते हुए भी, भी संगणित होते हुए भी अब इसका मापन करना है पहला यह है इस क्लास का इस क्लास का जो आयतन है वॉल्यूम है वो है दस हजार मीटर क्यूब वॉल्यूम दस हजार मीटर क्यूब तो इसमें कितने छात्र हैं इसमें पांच सौ किलोग्राम छात्र प्रति दस हजार मीटर क्यूब इस क्लास का सब चीजों का वजन जो है यह है दो टन तो पांच सौ किलोग्राम प्रति दो टन और एक और हो सकता है इस क्लास में अभी 50 स्टूडेंट्स हैं और अधिकतम कैपेसिटी इसमें है 200 की 50 बटा 200 सर ये क्या अजीब सी बात है <coughs> ये क्या अजीब सी बात है सर क्लास में आप बताइए ना कितने बच्चे हैं बस ये बताइए तो मैंने बता दिया 50 बच्चे अधिकतम सीमा कितनी है 200 बच्चे ये वाला सी वाला ए और बी समझ में आता है पांच सौ किलोग्राम बच्चे दस हजार आये में पांच सौ किलोग्राम बच्चे दो टन की क्लास में नहीं समझ में आया ना ये अगर आपको बताना हो किसी कमरे में क्या है कितनी संख्या है तो आप कहेंगे देखिए इस कमरे की अधिकतम संख्या बीस लोगों की है अभी इसमें दस लोग हैं ठीक है, है? बट क्या हम ये बता सकते हैं इस क्लास में और या इस कमरे में 200 किलो के लोग हैं और इसकी इसका वजन जो है कमरे का वजन दो टन है ऐसा हो सकता है सर बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे भी समझ नहीं आया था मुझे भी समझ में नहीं आया था क्या मुझे समझ में नहीं आया वो मैं बताना चाहता हूं आपको आर्द्रता के नापन जो नापते हैं ना वास्तविक निरपेक्ष आर्द्रता वायु की प्रति इकाई आयतन में व्याप्त जलवाष्प ये मुझे समझ ही नहीं आया ये किसी काम का भी नहीं लगा मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या लिख के बताऊं ग्राम्स ऑफ कितने ग्राम जलवाष्प है एक मीटर क्यूब वायु में इकाई आयतन में भाई इसका मैं क्या करूंगा कितने ग्राम छात्र हैं कितने मीटर क्यूब वॉल्यूम में तो ये मेरे किसी काम का नहीं दूसरा जिसको हम विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं वायु के प्रति इकाई भार में व्याप्त जलवाष्प कितने ग्राम छात्र हैं कितने किलोग्राम की क्लास में ये दोनों मुझे समझ में नहीं आए दोनों समझ में नहीं आए आपको भी नहीं आए मुझे भी नहीं आए ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है जलवाष्प के मापन के दो तरीके हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी वास्तविक या निरपेक्ष आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता आपको बहुत समझ में नहीं आया मुझे भी नहीं आया मैं भी नहीं समझना चाहता था लेकिन जो हमारे काम की है वो समझते हैं ये सबसे ज्यादा काम की है जो आप मुझे वेदर रिपोर्ट में बताते हैं ना बच्चों छियासठ प्रतिशत वो ये होती है ये क्या होती है बताऊं मैं वायु में विद्यमान जलवाष्प एवं वायु की जलवाष्प धारक क्षमता का अनुपात कितने छात्र हैं क्लास में कितने क्लास में छात्र हैं पचास स्टूडेंट अधिकतम कैपेसिटी कितनी है अधिकतम कैपेसिटी 200 स्टूडेंट एक क्लास जिसमें विद्यमान छात्र कितने हैं पचास हाउ आर प्रेजेंट फिफ्टी मैक्सिमम कितनी थी दो सौ तो जल्दी से बताइए क्लास कितनी भरी हुई है दो सौ बच्चे बैठ सकते थे क्लास में पचास बच्चे बैठे कितनी भरी हुई है ये कट जाएगा एक बटा चार अगर सौ से गुणा कर दूं तो प्रतिशत में आ जाएगा पच्चीस प्रतिशत आया कितने लोगों को समझ में आया अगर एक क्लास में 200 बच्चे बैठ सकते हैं और 50 बच्चे अभी बैठे हुए हैं, तो कितनी क्षमता का प्रयोग हुआ सर 25 प्रतिशत क्षमता का प्रयोग हो चुका और कितनी बची हुई है पिछहत्तर बची हुई है ये समझ में ये आसान है ये तो आसान है

वायु में कितना जलवाष्प है या एक किलोग्राम वायु में कितना जलवाष्प है दोनों किसी काम के नहीं दोनों व्यवहारिक रूप से किसी काम के नहीं लेकिन वायु कितना अधिकतम होल्ड कर सकती है उसमें कितना अभी उपलब्ध है समझ में आया यह समझ में आ गया सिर्फ तीसरा समझना है और जो आप लिखते हैं पचास प्रतिशत सर मेरे शहर में 66 प्रतिशत मेरे शहर में सतासी प्रतिशत मेरे शहर में अब समझ में आया कि आपके शहर की वायु में वायु में क्षमता कितनी थी सौ इकाई की कितने अभी भर गए हैं सतासी समझ में आया यहां क्लियर रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षिक आर्द्रता समझ में आ गया सो so, जलवायु का वैज्ञानिक बाकी दोनों आर्द्रता को यूज नहीं करता है किसको यूज करता है सापेक्षिक को यूज करता है ठीक है अब एक बात बताइए अभी तो ये क्लास 25 प्रतिशत संतृप्त है अभी तो ये क्लास 25 प्रतिशत संतृप्त है अगर इसमें 200 के 200 बच्चे आ गए 200 की कैपेसिटी और 200 ही आ गए मेरे क्लासरूम में 200 की कैपेसिटी थी और 200 के 200 आकर बैठ गए 200 बटा दो तो कितना हुआ आर्द्रता तीसरा क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यह आपका बिंदु आपको लिखना है रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्षिक आर्द्रता ये ही काम की चीज है हमें पता करने के लिए सौ बटा सौ तो मतलब ये तो सौ प्रतिशत हो गए सर पूरा भर गया पूरा भर गया तो ये क्या बताता है ये बताता है हमारी वायु की संतृप्तता कि वायु कितनी संतृप्त है कितनी सैचुरेटेड है और 200 बटा 200 का मतलब क्या हुआ इक्वल टू दो सो बटा दो सो इन टू सौ उत्तर क्या हुआ सौ प्रतिशत सौ प्रतिशत का मतलब अब इसमें कोई जगह नहीं बचेगी अब इसमें कोई जगह नहीं बची ये अधिकतम सीमा पर पहुंच गया उस बिंदु को क्या कहा जाता है संतृप्तता बिंदु सैचुरेशन पॉइंट समझ में आया मैं क्लास रोक रहा हूं दो मिनट के लिए जल्दी से देखिए क्या आपको समझ में आया ये तो मजाक था क्लास का तो उदाहरण था बात हो रही थी वायुमंडल में कि आर्द्रता होती क्या है वायु में व्याप्त जलवाष्प होता है हर एक वायुमंडल में गिवन पर कितना वो ग्रहण कर सकती है वो उतना ही लेगी। उसके बाद इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है कैसे वाष्पीकरण से या कंडेंसेशन से और इसका मापन जो है कई तरीके हैं लेकिन जो सबसे अच्छा मापने का तरीका है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक एक दिए हुए तापमान पर क्या एक अधिकतम सीमा है और उसमें से कितना अभी भरा हुआ है समझ में आ गया क्लियर बहुत सिंपल था अब किसी ने कहा सर इस पर ना इस पर वर्षा हो जाएगी बेटा आपने बहुत अच्छा सोचा है लेकिन थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं जब ये बिंदु आता है ना तो जलवाश जल में बदल जाता है जरूरी नहीं है उसे वर्षा कहा जाए वो कोहरा भी हो सकता है कोहासा भी हो सकता है वो ओस भी हो सकता है तो अच्छा ये रहेगा जिस तापमान पर जिस तापमान पर यह बिंदु आ जाए क्लास पूरी हो जाए उस तापमान को क्या कहेंगे सैचुरेशन पॉइंट या ओसांक बिंदु समझ में आया क्लियर <coughs> है सर दो समझ में नहीं आया दो कैसे समझ में नहीं आया ये बताओ हवा में पानी कहां से दोगे हवा में पानी कहां से दोगे पढ़े लिखे हो कहां से आते हो मैंने लिखा जब हवा में पानी जो है भाप बनेगा तो उससे हवा में भाप ज्यादा बनेगी नमी ज्यादा बनेगी बोले समझ नहीं आया क्या समझना है इसमें बताइए मुझे तो अब क्या हो जाता है अब क्या हो जाता है जब हम छात्र को ऐसी चीजें देते हैं जहां उसको अपनी सोच लगानी हो और हम उसको मुन्ना बना करके आओ बेटा एक बाटी में पानी लेते हैं उसको वाष्पित करते हैं देखो देखो जा रहा है ये, ये देखो बढ़ गया अब इसको क्या करते संघनित करते बाल्टी में इकट्ठे करते देखो कम हो गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि चुटकुले का भी मतलब समझाइए तो ऐसा वाला मत करिए गड़बड़ हो जाएगी ठीक है सभी लोग क्लियर <coughs> यहां तक समझ में आ गया वाष्पीकरण और कंडेंसेशन और और क्या हुआ जिस तापमान पे आर एच इज इक्वल टू सौ परसेंट हो गया उसे क्या कहा गया संतृप्तता बिंदु या ओसांक <coughs> सभी आ गया कि नहीं आ गया अभी पता नहीं कोई क्यों लिख रहा है और विंटर में भी विंटर समर की बात की हमने किसी भी ऋतु की बात की ये फालतू फालतू वाले वाले फंडे मत ले कराओ। वाले फंडे मत मत लेकर लेकर आओ आओ आजकल बच्चों क्या चल रहा है आपके जीवन में आजकल क्या चल रहा है बहुत सारी वर्षा हो रही है तो वायुमंडल की संतृप्तता के पास है या दूर है इस मौसम में क्या आपके शहर की वायु संतृप्तता के पास है या दूर है अगर पास है तो आपकी सापेक्षिक क्या होगी सत्तर अस्सी नब्बे सौ लेकिन ग्रीष्म ऋतु में क्या थी ग्रीष्म ऋतु में क्या थी तीस चालीस ठीक है नहीं थी? चलिए समझदार छात्रों के लिए अच्छी बात है अगर आपने अपनी सोच लगाई कुछ लोग ऐसे बिल्कुल लॉलीपॉप लगा के सर जी एकदम मुंह में बताए सर एक बार फिर से मतलब पूरा का पूरा वाष्पीकरण आजीवन बचपन से देख रहा है वाष्पीकरण लेकिन आज जो है बाल की खाल करके मानेंगे वाष्पीकरण वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन चलिए समझदारी तो आप ही दिखाएंगे इवेपोरेशन कब ज्यादा होती है? वाष्पीकरण कब ज्यादा होती कौन बताएगा मुझे सावन के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं सर वैष्णवी जी बिल्कुल बिल्कुल सावन के प्रथम सोमवार की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं जल्दी जल्द बताइए बच्चे एवापोरेशन कब ज्यादा होता है सर समर में ज्यादा होता बहुत अच्छी बात कही बहुत से बच्चों ने कहा समर में ज्यादा होता बच्चों मैं समर नहीं लिख रहा हूं गर्मी नहीं लिख रहा हूं क्या मैं ये लिख दू तापमान तो के बढ़ने पर वाष्पीकरण ज्यादा होगा बताने की तो जरूरत नहीं घर में चूल्हा जलाते हो तभी तो जाकर पानी उबलता है बहुत अच्छी बात है तो जिस मौसम में तापमान बढ़ेगा उसमें वाष्पीकरण ज्यादा होगा कि नहीं होगा होगा लेकिन लेकिन एक बात बताओ अगर पानी नहीं उड़ाने के लिए अगर पानी ही नहीं है उड़ाने के लिए तो तापमान कुछ भी कर लो पानी भी तो होना चाहिए तभी वाष्पीकरण ज्यादा होगा कि नहीं बच्चों तो कहां पे जलवाष्प ज्यादा होगा मुंबई में के दिल्ली में? मुंबई में के दिल्ली में? सर बंबई में ज्यादा होगा क्यों जबकि आप देखोगे गर्मी में दिल्ली का तापमान ज्यादा है दिल्ली का तापमान पहुंच गया छियालीस और बंबई का तापमान है अड़तीस लेकिन फिर भी बंबई में जलवाष्प ज्यादा है क्यों भाई जलीय स्त्रोत भी तो होगा होगा या नहीं होगा होना चाहिए ना समझ में आ गया तो वाष्पीकरण के लिए पहले पानी होना चाहिए अब मैं आपसे इसी में मतलब यूपीएससी का छात्र कहते हैं सर प्रश्नों से पूछिए तब तो समझ आएगा यूपीएससी पूछता है कि भाई शहरों में ज्यादा वाष्पीकरण होगा या गांव में जल्दी से बताइए शहरों में या गांव में शहर तो सब कंक्रीट का जंगल बन चुका है शहर में तो जलीय स्त्रोत ही नहीं रह गया है कि नहीं तो गांव में वाष्पीकरण भी होगा होगा कि नहीं होगा सोच के देखिए तीसरी चीज तीसरी चीज वाष्पीकरण वाष्पीकरण होकर कहां जा रहा है वाष्प वो तो वायुमंडल में जा रहा है जा रहा है कि नहीं जा रहा है लेकिन वायुमंडल की तो एक सीमा है वायुमंडल की तो एक सीमा है ना उसके ऊपर तो नहीं ले सकता अगर वायुमंडल चल रहा है हवाएं तेज चल रही हैं तो क्या वो नई हवा को बार बार ले आएंगे जिसकी और ज्यादा कैपेसिटी होगी तो अगर हवा चल रही है पवन क्या पवन भी वाष्पीकरण को वो करेगी कि नहीं तेज पवन में ज्यादा वाष्पीकरण होगा या कम पवन में रुके हुए उसमें पवन थमी हुई होनी चाहिए थमी हुई होगी या चलती हुई में किस में ज्यादा होता है जिस दिन तेज हवा चल रही होती है आपकी छत पे कपड़े जल्दी सूखते कि नहीं सूखते इस पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है कि तेज हवाओं का एक स्टेटमेंट ऐसा है कि जब हवाएं चलती हैं हवाएं चलती हैं तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है सभी को समझ में आया क्यों आएगा क्योंकि सर हवा जो है जो आपका जलवाष्प पाया वो उस हवा को वहां से हटा देता है और नई हवा आ जाती उसमें और फिर ग्रहण करने की कैपेसिटी होती है कि नहीं होती समझ में आ गया सो so, एवेपोरेशन इस पर डिपेंड करेगा इन सिद्धांतों को अगर आप समझ गए बच्चों तो वहां पे जो भी कथन आएगा जो भी सेंटेंस आएगा लॉजिक से मैंने कहा ज्योग्राफी लॉजिक पे चलती है ज्योग्राफी लॉजिक पे चलती है संघनन ले लेते हैं कंडेंसेशन यानी वाष्प क्या करेगा वाष्प वापस जाकर या तो पानी की बूंद बन जाएगा या फिर बर्फ बन जाएगा सर बर्फ कैसे बनेगा भाई अगर आप जलवाष्प हवा को ठंडा कर रहे हैं इधर क्या करना पड़ेगा तापमान को अगर आपने कम किया तो जलवाष्प क्या होगा संगणित संगणित हवा जो होगी हवा हवा ऐसे फैले हुए थे ना उसके मॉलिक्यूल अब उन सारे कणों को हम पास में ला रहे पास में ला रहे पास में ला रहे तो अब तो जलवाष्प के पास जगह ही नहीं रह गई जगह नहीं रहेगी ना सो तापमान जब नीचे जाएगा बच्चों तापमान जब नीचे जाएगा तो एक ऐसा तापमान आएगा जिसको हम कहते हैं ओसांक यानी ड्यू पॉइंट ड्यू पॉइंट पे क्या होगा जलवाष्प क्या बन जाएगा वो जल की बूंद बन जाएगा वो जल की बूंद बन जाएगा ठीक है और अगर उसे और ठंडा किया आपने फ्रिज में पानी रखा फ्रिज में पानी रखा तो पानी ठंडा हो जाता है कि नहीं हो जाता लेकिन अगर उसको फ्रीजर में रख दिया तो वो और ठंडा करता है इतना ठंडा कर देता है कि पानी न केवल ठंडा एक ऐसे तापमान के नीचे जाता है कि वो सॉलिड ठोस हो जाता है उस तापमान को क्या कहते हैं हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट सो अगर तापमान कम हुआ तो क्या हो जाएगा बच्चों तापमान कम होने से ये हो जाएगा सिमरन रंगरेज जी पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं कि सर छठी से दसवीं एनसीईआरटी की दो रीडिंग बहुत है क्या देखिए जब कर लीजिएगा तब बात करिएगा ये बात बात पे ऐसे वाले बहुत घूम रहे हैं सर पूरा पढ़ दू क्या पूरा पढ़ दू क्या साल भर यही कहते रहते हैं भाई पढ़ दो ना यार डरा कहे रहे हो भोकाल में रखा होता है सर दो बार काफी रहेगा दो बार काफी रहेगा अबे ना नोमन तेल होगा ना दादा ना चेगी पढ़ तो बात करेंगे। ये लिख रहे होते सर दो बार पढ़ लिया काफी कुछ समझ आ गया तब तक तो मोक्ष मिल गया होता सर दो बार काफी रहेगा दो बार काफी रहेगा ऐसे में बहुतों से मिल रहा हूं पिछले पंद्रह साल में पंद्रह बार कह चुके हैं सर काफी रहेगा अब पंद्रह साल हो गए अब तो पढ़ लो अब तो बीवी बच्चे हो गए उनको बोल दो, दो बार पढ़ लेगा चलिए वापस आते हैं ये समय व्यर्थ ज्यादा करते हैं बच्चे तो दो हो गए बच्चों चलिए तापमान के कम होने से एक बात बताइए बच्चों गर्मी थी आपके शहर की बात कर रहा हूं भूल जाइए दो ही तो लोग यहां पर मैं है, और बीच में कुछ लोग ऐसे पढ़ दू क्या एनसीआरटी बे डरा क्यों रहा है ऐसे विराट कोहली टाइप डांट रहा है डांट मत पढ़ ले उसके बाद बात करना तो आ, आपके शहर में जून के महीने में आर्द्रता ज्यादा थी या कम थी ये बताइए आर्द्रता मई जून में ज्यादा थी या कम थी आर्द्रता ज्यादा थी या कम थी आपके शहर में सर कम थी गर्मी थी और मेरे आसपास जलाशय ज्यादा थे नहीं इसलिए उस समय कम थी बहुत अच्छी बात क्या ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु में बच्चों आर्द्रता बढ़ गई कि नहीं हां या ना बताएंगे हां या ना बढ़ी या नहीं बढ़ी अरे सर बिल्कुल बढ़ गई सर मैं तो रोज वेदर रिपोर्ट बनाता हूं बयासी प्रतिशत दिखा रहा है सर पसीना नहीं सूखता सर अभी क्लास में बैठा हूं पंखा चल रहा है लेकिन गर्मी लग रही है और पसीना नहीं अब अब क्या हो गया अब बढ़ गई है आर्द्रता बहुत अच्छी बात है इसके बाद कौन सी ऋतु आएगी बच्चों सर शीत ऋतु आएगी शीत ऋतु में तापमान कम हो जाएगा और आपके शहर में आपके शहर में पानी तो आ गया भाई हवा में और तापमान मैंने कम कर दिया तो आपके शहर में क्या होगा जल्दी से बताइए नवंबर दिसंबर में क्या होगा आपके शहर में सर नवंबर दिसंबर में तो ये आर्द्रता है

गर्म हवा जो है ना वो फैली हुई होती है उसमें और वाष्प छुप सकता है ठंड में क्या होगा हवा और कम हो जाएगी आप यूं समझिए जो क्लासरूम था ना क्लासरूम था ये 200 की कैपेसिटी का कहा गया भाई क्लासरूम ठीक है म्युनसिपैलिटी वाले आए उन्होंने कहा तुमने अवैध कब्जा कर रखा है एक काम करो हटाओ इसको छोटा कर दो अरे हमारा क्लासरूम ही छोटा हो गया तो इसमें सौ ही बच्चों की कैपेसिटी रहेगी सर्दी में क्या होगा आपकी हवा सिकुड़ जाएगी उसमें सोही बच्चों की कैपेसिटी रह जाएगी तो सर्दियों में बहुत जल्दी संतृप्त हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सर अब मैं देखूंगी रोज वेदर रिपोर्ट क्लास के बाद अरे क्लास के पहले भी देखो मैंने तो कहा जो पढ़ाऊंगा वो आपको दिखाई देगा होगा ही होगा so, दिलराज जी कह रहे भूजल निष्कर्षण से, से पृथ्वी का अक्ष झुक रहा है क्यों न्यूज में था मैं सारी न्यूज ही बताता रहूंगा और ये पिछले पंद्रह दिन से कोई चचा यही पूछ रहे होते हैं सर भूजल की वजह से अक्ष जो है झुक रहा है न्यूज में क्यों था अबे पढ़ लो ना उसको पूरा का पूरा पूरा का पूरा पढ़ लो एक न्यूज आ गई तो उसी पे लग गए और ये पता नहीं होगा <coughs> एटमोस्फियर पे कोई प्रश्न पूछ रहा है इसलिए एटमोस्फियर में दिल्ली में विंटर में स्मॉग हो जाता है बिल्कुल हो जाता है भाई है क्या स्मॉग या फॉग है क्या वही संगनित चीजें अब देखिए आपके दिमाग में बहुत जायज से सवाल आएंगे तो आने दीजिए उनको आर्द्रता एक बहुत अहम चीज है गैस तरल या ठोस जलवाष्प अकेली ऐसी चीज है जो वायुमंडल में परिवर्तनशील है गैस भी बन सकता है तरल भी है ठोस भी हो सकता है और मैं आपको बताना चाहता हूं हवा में नमी चाहिए आपकी त्वचा को नम रखने के लिए आपके शरीर की क्रियाओं के लिए हवा में नमी चाहिए शुष्क हवाएं शुष्क हवाएं हमारे शरीर को सुखाती हैं और उसकी कई प्रक्रियाओं को बाधित करती हैं। ऐसा कहा गया है कि लगभग साठ प्रतिशत अगर नमी है तो यह अच्छी बात है इसलिए कहा जाता है सागरीय क्षेत्र विश्व की विश्व की लगभग नब्बे प्रतिशत नब्बे तो नहीं कहूंगा हाँ नब्बे ले लीजिए नब्बे प्रतिशत आबादी जो है सागर के 200 किलोमीटर के अंदर अंदर है क्यों है क्योंकि वो आर्ता वहीं पर है बहुत ज्यादा कॉन्टिनेंट के मध्य में साइबेरिया में कोई नहीं रहेगा बहुत कम लोग रहेंगे वर्षण आप जानते हैं कि ये बहुत अहम भूमिका है अगर ये नहीं होता तो वर्षा नहीं होती हरित ग्रह प्रभाव भी है जलवाष्प जो होता है ये ये कार्बन डाइऑक्साइड की किरणों को अवशोषित करता है अब्जॉर्ब करता है और जलवायु को गर्म करता है सर चलती हुई पवन में ह्यूमिडिटी वाला दोबारा बता दीजिए सरिता जी दोबारा सुन लेना हमने तो एक ही चीज कहा था अगर आपकी छत पे कपड़े सूख रहे हैं हवा चल रही है तो जल्दी सूख जाएंगे और नहीं चल रही है तो बाद में सूखेंगे आप जानते हैं क्यों क्योंकि जो आपके जलवाष्प हुआ उस हवा की जो एक कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी को कभी पहुंचने नहीं देंगे नहीं। वो हवा को रिफ्रेश करता जा रहा है नया नया जब सोचेंगे नहीं तो बच्चे सिर्फ रटेंगे ये जो बच्चे हैं ना ये नोट्स लिख रहे हैं अरे हम तो पॉइंट वन लिख रहे थे सर तो टू और थ्री बता दी सर टू और थ्री एक बार लिखवा दीजिए लिखवा नहीं रहे समझ लीजिए आप सोचिए अगर हवा बदलती रही तो एक क्लासरूम है जिसमें दो सौ बच्चे बैठते हैं लेकिन वो क्लासरूम एक और उसकी जगह दूसरी क्लासरूम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास पचास क्लासरूम है किसी में भी जाकर बैठो तो कभी भी आप बैठ सकते हैं ठीक है चलिए और क्या है और कुछ है सर हरित ग्रह इकोलॉजी में पढ़ाए देखो भाई सर पढ़ाएं हैं नहीं पढ़ाए आप जो भी शिक्षकों से पढ़ते जा रहे हैं आपको एक अरे हाँ वाटर वेपर एक ऐसी गैस है जो बाहर जाती हुई कार्बन डाइऑक्साइड को रोक देती है रोक देती है तो उस पर वैश्विक तापन होता है तो इससे वैश्विक तापन भी होता है और बादल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो परावर्तित भी होती है मैंने एल बताया था हीट हीट बजट बजट में में ऊष्मा वो भी एक सिद्धांत है तो जो छात्र क्लास में रेगुलर हैं उनका पिछला जुड़ता चला जाएगा और जो अचानक आए हैं उनके लिए अरे यार ये कैसे हवा चल रही है तो इसका मतलब वाष्पीकरण ज्यादा होगा बिल्कुल ज्यादा होगा भाई पिछली वाष्प को उड़ा के ले जाएगा ना सभी लोग क्लियर चलिए वायुमंडल की स्थिरता का कारक है स्थिरता का कारक ये थोड़ा ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट है उसको हटा देते हैं गुप्त तुष्मा का स्रोत तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया जब वायुमंडल संघनित होगा जब वायुमंडल नहीं सॉरी जलवाष्प जब संघनित होगा तो एक बहुत अहम बिंदु है संघनन के समय पर गुप्त तुष्मा सृजित होती है लेटेंट हीट रिलीज होती है तो जब भी जब भी जलवाष्प से, वा, <coughs> से वापस बूंद बनेगी जलवाष्प से वापस बूंद बनेगी तो तापमान कुछ बढ़ेगा क्योंकि ऊष्मा रिलीज होती है क्लियर है चलिए वाष्पीकरण भी हो गया संघनन भी हो गया तो फिर अब और क्या कराया जाए एक मिनट देखें अच्छा जी आर्था के प्रकार आपने कर लिए अच्छा जो लोग अंग्रेजी में हैं वैसे तो मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों दे रहा हूं कुछ लोगों का ये रहता है कि सर हमको हिंग्लिश है तो हिंग्लिश में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी यही काम का होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है कितनी जलवाष्प है बटा मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी ठीक है फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है संघनन के प्रकार ठीक है संघनन के प्रकार ये पृथ्वी की सतह ये ऊपरी वायुमंडल ठीक है, ये सतह संगणन कहां हो सकता है जल्दी बताइए संगणन कहां कहां हो सकता है कहां कहां कहा हो सकता है संगणन यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है सभी लोग मेरे साथ संघनन दोनों जगह पर हो सकता है ना संघनन होने के लिए क्या चाहिए तापमान को कितना नीचे ले जाना है जल्दी बताओ तापमान को कितना नीचे लेके जाना है किस बिंदु तक लाना है तापमान को कौन बताएगा सर ड्यू पॉइंट तक लाना है अच्छी बात है दिल्ली ध्यान दीजिएगा दिल्ली में रात है सर्दी की रात है सर्दी की और पृथ्वी से पार्थिव किरण उत्सर्जित हो रहा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर जा रही तो क्या पृथ्वी ठंडी हो जाएगी रात में क्या दिल्ली में ड्यू पॉइंट आ सकता है आ सकता है कि नहीं आ सकता तो दिल्ली वाले सोए रात में 12 डिग्री सेल्सियस पर लेकिन रात में तापमान गिरकर कितना हो गया गिरकर हो गया पांच डिग्री सेल्सियस पांच डिग्री सेल्सियस हो गया और ओसांक था छह डिग्री सेल्सियस ध्यान दीजिएगा पहले सुनिए उसके बाद लिखिएगा दिल्ली में बारह डिग्री सेल्सियस शाम को लोग सो गए रात में रेडिएशन से पार्थिव विकिरण विसर्जित होने से दिल्ली ठंडी होनी शुरू हुई दिल्ली का तापमान पांच डिग्री सेल्सियस आ गया तो जो उसके हवा जो उसके संपर्क में थी निचली हवा जो उसके संपर्क में थी वो भी ठंडी हो गई वो भी पांच डिग्री पर पहुंच गई और ओसांग कितना था छह डिग्री सेल्सियस था ठीक है? तो यहां पर यहां पर दिल्ली के पेड़ पौधे पेड़ की पत्तियां ठीक है और दिल्ली की इमारतों पर कांच पर सुबह सुबह हमने देखा पानी की बूंद जमी हुई है ऐसे पानी की बूंद जमी हुई है कोई बताएगा इन पानी की बूंद को क्या कहा जाता है शीशे पर कांच पर कार के ऊपर ऐसे पत्ता होता है इस तरह का पत्ता और पत्ते पर चोंच पर लटकी हुई है एक बूंद क्या कहते हैं बच्चों उसको ए फॉग वाले इसे फॉग नहीं कहते हैं इसे ओस कहते हैं ड्यू कौन से देश से आते हो भाई ओस की बूंद ओस की बूंद सुबह सुबह ओस जमती कि नहीं जमती है जितने भी उत्तर भारतीय हैं, क्या आपने सुबह ओस जमते देखा है कितने लोग उस पर कार के शीशे पर जब ओस जमी हुई होती है इस तरह से सोनू और रानी लिख देते हैं लिखते हैं कि नहीं आधे लोग का ध्यान सोनू और रानी पर ही जाएगा यह क्यों हुआ संगनन से पत्ता भीग जाता है घास पे पैर नंगे पैर चलिए तो आपके पैर भीग जाएंगे होता है कि नहीं होता उसे ओस कहा जाता है यह क्यों हुआ अब समझ में आ गया सिद्धांत रात को इतना ठंडे हो गए कि उस बिंदु के नीचे चले गए हो गया यह तो किसी सतह पर हुआ ओस कहां पर जमती है किसी सतह पर जमती है लेकिन वायुमंडल में भी तो आपको पता है धूलकण भी तो सतह का काम करते हैं करते हैं बच्चों या नहीं करते हैं आपको बताया था धूलकण का एक विशेष काम है वो सतह का काम करती है आर्द्रता ग्राही सतह हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई तो क्या उन पर भी बूंद जम जाएंगी हां जी सर ये तो बूंद जम जाएंगी लेकिन ये तो हवा में तैर रही है इनको क्या कहेंगे इनको कहेंगे फॉग और मिस्ट मिस्ट और फॉग कोहासा या कोहरा समझ में आया अच्छा सर ये होता ऐसे होता बिल्कुल ऐसे होता है आप सबने ये देखा है अब आपको समझ में आ गया सिर्फ एक चीज हुई है संघनन हो गया है रात को तापमान इतना कम हुआ इस वजह से हो गए <coughs> क्लियर ओस समझ में आ गई ओस क्या होती है लेकिन क्या ये आसमान से गिरे ये आसमान से नहीं गिरे आसमान से नहीं गिरे हैं ठीक है आसमान से जो गिरता है उसे कहा जाता है अवक्षेपण इसका मतलब प्रेसिपिटेशन ये तो नीचे ही बन गए ये तो नीचे ही बन जाते हैं लेकिन अगर अगर आसमान में यहां पर संगनन हुआ तो यहां पर भी तो बूंदे बन सकती हैं बन सकती हैं कि नहीं बच्चों ये बूंद क्या कहलाएगी कोई मुझे बताएगा सर ये तो मेघ बन गए ये तो बादल बन गए ये तो बादल बन गए या मेघ बन गए बन गए मेघ बन गए अगर मेघों से बूंदे नीचे गिरती हैं उसको क्या कहेंगे बच्चों अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन कोहरा और कोहासा ऊपर से नहीं गिरता कोहरा कोहासा सतह पर होता है उसे प्रेसिपिटेशन नहीं कहते ओस ऊपर से नहीं गिरती वो वहीं पर होती है ये सब यहीं पर है कभी कभी आप देखेंगे कि उस पत्ते पर उस पत्ते पर ओस का पानी ना होकर बर्फ पड़ जाती है ये बर्फ हो जाती है सरे बर्फ कैसे हो गई इस, इस बर्फ का कारण होता है कि रात को दिल्ली का तापमान पांच डिग्री नहीं जीरो डिग्री चला गया हिमांक पे चला गया तो उसे क्या कहते हैं बच्चों पाला पड़ना अंग्रेजी में फ्रॉस्ट कहते हैं पाला या तुषार पाला पड़ना सतह पर होता है तुषार पड़ना सतह पर होता है ओस पड़ना सतह पर होता है कोहरा कोहासा सतह पर होता है बादल ऊपरी वायुमंडल में जब आपका संगठन होता है उससे बादल बनते हैं। बादल से अगर कुछ निकला वो क्या कहलाएगा अवक्षेपण यानी प्रेसिपिटेशन अगर पानी की बूंदे निकली तो उसे हमने क्या कहा वर्षण वर्षा जलवृष्टि लेकिन बादल से कभी कभी बर्फ के कण भी निकलते हैं उसे क्या कहते हैं हिमपात स्नो फॉल अन्यथा वृष्टि जल वृष्टि जल वृष्टि जल का मतलब रेनफॉल चित्र समझ में आया तो बना लीजिए जो प्रश्न है पूछ लीजिए समझ आया कि नहीं आया अचानक तापमान गिर जाना इज इक्वल टू पाला बेटा नशे की बात मत करो अचानक तापमान गिर जाना मतलब तापमान का गिरना पाला का मतलब क्या है जो वहां पे जल है वो वाष्प से क्या बनेगा जल बनेगा और वापस ठोस होकर बर्फ बन जाएगा उसे पाला कहा जाता है फ्रॉस्टिंग अचानक तापमान गिरना एक प्रक्रिया है ठीक है अब मेरे छात्र हो तो सही वाली बात तो बोलोगे या उल्टा सीधा कुछ छो बोल दोगे जो रटके बैठे हो सर ओस पृथ्वी की सतह के ऊपर रहता है नशे में हो गया यार ओस कभी देखी नहीं है क्या ओस कभी नहीं देखी है क्या बोला ये ओस पृथ्वी की सतह पर रहता है अभी तो बताया एक तो बात ये है नोट्स लिख रहा है सोच नहीं रहा आप में से सभी बच्चे बताइए किसने जीवन में ओस नहीं देखी नंगे पैर घास पे कभी नहीं चले अगर किसी खेत खलिंग नहीं है तो शहर के पार्क में भी दिख जाती है कितने लोगों ने घर के कांच पर भी ओस देखी होगी सर ये ओस क्या पृथ्वी की सतह पर ही रहती है नहीं ये सिनेमा हॉल में दिखती है बताइए कैसा कैसा सवाल पूछता है मतलब ऐसे लोग हैं तो मतलब कुछ लोग को तो मैं कहता हूं एनआरआई वो भारत नहीं जानते इन लोगों को क्या कहें ये पृथ्वी के बाहर के हैं क्या इन्होंने कभी ओस ही नहीं देखा सर हम तो एकदम बिगनर हैं यूपीएससी में तो क्या हुआ बिगनर यूपीएससी में ओस नहीं देखे थे क्या यूपीएससी के लिए ओस देखना मना है क्या कुछ भी सर क्या ओस जमीन पर ही रहता है अरे ओस बताया तो रात को इतना ठंडा हो गया कि जो वहां का जलवाष्प था वहीं संगणित हो गया जहां पर भी था अगर पत्ते पर था तो पत्ते पर हो गया अगर कार के ऊपर था तो कार पे हो गया बस के ऊपर हो गया पहाड़ पे हो गया सतह पे होगा इतना सामान्य सी बात है बट ऐसा वाला एकदम वो करें ठीक है सभी को समझ में आ गई प्रक्रिया नीचे का मामला ये ऊपर का मामला ये ऊपर से माल आया पिछले दो दिन में क्या हो रहा है आपके यहां पर पिछले दो दिन में कहां से माल आ रहा है ऊपर से आ रहा है नीचे से आ रहा है पिछले दो दिन में कहां से माल आ रहा है जल्दी बताइए आपके शहर में आपके शहर में एक कह रहे है सर साफ मौसम में ज्यादा क्यों होती है बेटा सोच लगाओ ना प्रश्न तो तुमने पूछ लिया बुद्धि लगाओगे नहीं फिर यूपीएससी कैसे पास होगा आप एक बात बताइए ये कह रहा है कि साफ मौसम में ज्यादा ओस क्यों बनती है बुद्धि लगाओगे ना ओस बनने का कारण क्या है ठंडा होना चाहिए रात को ठंडा होना चाहिए किस मौसम में ज्यादा ठंडा होगा रात को अगर ऊपर बादल हुए तो बादल तो बाहर जाने नहीं देंगे ना तो आसमान जब साफ होगा तो रात को सारा का सारा उत्सर्जन हो जाएगा इसलिए भाई तेजी से ठंडा होगा दिमाग लगाना ही नहीं ज्योग्राफी में बिना लॉजिक के रटान करके पहुंचूंगा अरे भाई इस रटान की वजह से तो भूगोल को मार दिया गया भूगोल ऐसा विषय हो गया इतना भारी विषय हम कह रहे हैं एक बार सिद्धांत समझ में आ गया बट प्रश्न रटा हुआ है सर पिछली बार ना दिए थे स्टेट पीसीएस इसी प्रश्न की वजह से फेल हो गए थे सर इस बार इसका आंसर बता दीजिए अरे सिद्धांत बता दिए कि अगर ऊपर कोई भी व्यवधान होगा बादल हुए क्लाउड हुए तो वो इसको बाहर जाने नहीं देंगे जाने नहीं देंगे तो रात ठंडी नहीं होगी ये तो 2022 का प्रश्न आया है उसे भी नहीं समझ पा रहे हो 2022 का प्रीलिम्स का प्रश्न है बच्चों जो आप लोगों को करा रहा हूं सिद्धांत पर सिद्धांत नहीं सोचेगा सर ये क्यों हो जाता है सर ये क्यों हो जाता है अरे हमको तो लगा सिद्धांत समझ में आ गया तो सब आ गया सर आजकल ऊपर से मामला आ रहा है बिल्कुल ऊपर से मामला आ रहा है बादलों ने पूरा मतलब बराबर कर रखा है कर रखा है कि नहीं कर रखा ठीक है अच्छा सर ये हिमपात और जलवृष्टि कैसे डिसाइड होगा हाँ ये भी बात सही है हिमपात और जलवृष्टि कैसे डिसाइड होगा तो ऊपर बादल में ऊपर बादल में संघनन हो रहा है सभी लोग ध्यान दीजिएगा कॉन्सेप्ट ले लीजिए सब समझ में आ जाएगा ये जो नोट्स लिखने वाले हैं ना किलो के हिसाब से सर सारे टीचर सर सब बहुत बढ़िया से लिखवा है रहे हैं सर आप ना बात ज्यादा कर रहे हैं सर लिखवा नहीं रहे अरे समझा रहे हैं बच्चे साथ साथ में जो जॉटिंग कर रहे हो उससे उत्तर हो जाएगा ये जो बात कर रहे हैं विषय से ही बात कर रहे हैं विषय से ही बात कर रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं कि मोहब्बत कैसे की जाए ये बता रहे हैं वर्षा कैसे की जाए अगर समझ लोगे तो हमेशा के लिए संतुलन आ गया जिस दिन कार या साइकिल में चलाने का संतुलन आ गया तो आ गया ना आजीवन आ गया तो इसलिए कह रहे हैं कि ये चित्र बनाते जाओ ये शब्द लिखते जाओ इनको यूज भी कर रहा हूं आपको समझ में भी आ जाएगा ठीक है तो ऊपरी वायुमंडल में ऊपरी वायुमंडल में आ, पानी संघनित हो रहा है क्यों संघनित हो रहा है पानी इसलिए संघनित हो रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तापमान कितना हो जाता है बच्चों बहुत कम हो जाता है आपने सुना यहां पर माइनस पचास डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है अगर इतना कम तापमान हो गया तो संघनित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो बादल किससे बनेंगे सर बूंदे भी बन सकती हैं बर्फ भी बन सकती है बन सकती है कि नहीं माइनस पचास में तो बर्फ भी बन सकती है अब बादल से बर्फ निकली बादल से बर्फ निकली और नीचे चली आ रही है और यहां पे तापमान मान लीजिए इस लेवल पे तापमान जो है दस डिग्री सेल्सियस है तो बताइए बर्फ बर्फ रह सकती है अगर दस डिग्री सेल्सियस हुआ बर्फ पिघल जाएगी कि नहीं पिघल जाएगी बर्फ पिघल जाएगी ना तो जब बादल से बर्फ निकली हिमपात हुआ हिमकण निकले आराम से तैरते हुए आ रहे हैं अगर तापमान 10 डिग्री हो गया तो क्या बन जाएंगे बूंद बन जाएंगे तो हमारे पास क्या पहुंचेगा जल वृष्टि पहुंचेगी लेकिन अगर आप अंटार्कटिका में हैं जहां सतह तक तापमान ही माइनस बीस है तो बादल से निकले माइनस पचास माइनस पचास माइनस तीस माइनस बीस हमेशा ही बर्फ रहेंगे कि नहीं रहेंगे सो क्या होगा अंटार्कटिका में पूरा का पूरा हिमपात आ जाएगा लेकिन अगर कहीं और हुआ तो रास्ते में वो हिम पिघल कर क्या हो जाएगा पानी बन जाएगा समझ में आया सिंपल है ठीक है सर ओला कैसे बनता है पहले इसको देख ले ओस समझ में आ गया। पाला फ्रॉस्ट तुषार समझ में आ गया कोहरा समझ में आ गया फॉग समझ, समझ में आ गया मिस्ट समझ में आ गया वाटर ड्रॉपलेट प्रेसिपिटेशन अवक्षेपन जो ऊपर से आ रहा है उसे अवक्षेपन कहते हैं बादल मेघ बन गए रेन बन गया ड्रिजल बन गया रेन क्या है रेन भारी वर्षा भारी वर्षा को क्या कहते हैं बच्चों हम रेन कहते हैं उसके बाद क्या है रेन के बाद क्या है ड्रीजल स्नोफॉल समझ में आ गया हिम हिम वर्षा है तुषार वर्षा और हेल क्या होता है ओला आईपीएस विकास कुमार राजवर कह रहे हैं सर जी आप लिखवाते नहीं ये क्या है मजाक है क्या नहीं दिख रहा है क्या अच्छा ये लिखवाना है आओ आओ, आओ आओ लिखो कोई दिक्कत नहीं हम तो कल वैसे भी क्लास खत्म कर देंगे आओ बच्चों लिखें हिमांक आओ 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 बच्चों लिखें हिमांक आओ बच्चों लिखो जिस तापमान पर जिस तापमान पर जलवाष्प संघनित होकर संघनित होकर जल से बर्फ बनेगा उसे हिमांक कहेंगे है ना लिखो कोई बात नहीं तुम्हें तो वैसे भी अभी आठवीं दसवीं क्लास में हो जो बेचारा सच में इस एग्जाम को पास करना चाहता है जो अगले वर्ष देगा उसको तो तुम सिद्धांत भी नहीं करने दोगे आओ बच्चो लिखें, ओ ओसांक अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना क्योंकि आपके नोट्स देखकर शायद आपकी पत्नी उसकी तैयारी करे फिर आईपीएस बन जा आई बन जा फिर आप सुनी रहे सुनते हैं भाग जाती हैं ऐसा भी हो सकता है ओसांक लिखें जिस तापमान पर सर आप लिखवाते नहीं हैं लिखो मेरे मुन्ना मेरे लाल लिखो मजा आता है बिल्कुल लिखो जिस तापमान पर जलवाष्प अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना भाई जलवाष्प जल में संघनित होता है सर पूरा का पूरा साढ़े सात हजार रुपया वसूल करा रहे हैं सर अब भी लग रहा है सर पिताजी भी खुश हैं संघनित होता है उसे ओसांग कहते हैं सर अब लग रहा है केजीएस बहुत सही सर पूरा पैसा वसूल कर अब सही जा रहा है ठीक है अब क्या करेंगे हम संघनन के प्रकार होते हैं संघनन के प्रकार संघनित होकर आप समझ रहे हैं कितना समय व्यर्थ होने वाला है इसमें कोई बात नहीं हम करेंगे हमको क्या दिक्कत है कौन ना आप आईएसी बनने वाले प्रश्न थोड़ी करने आपको तो नोट्स लिखने ऐसे तो बहुत सारे घूम रहे हैं देखिए ना सात लाख लोग इस परीक्षा में पर्चा भरते हैं फ्री है बहुतों के लिए ये थोड़ी के साथ लग पास हो जाता है वो तो नोट्स बनाते हैं नोट्स बनाते हैं बाद में किसी कोचिंग में कंटेंट बनाएंगे बना बना कोई दिक्कत नहीं संघनित होने के उपरांत संगनित होने के उपरांत जलवाष्प विविध प्रकार के रूप विविध प्रकार के रूप लेता है क्या टाइम होंगे वैसे Uh, साढ़े छः हुए अगले पैंतालीस मिनट यही लिखने वाला हूं बोर्ड पे है ना हम ऐसे ही लिखेंगे आप तो आठवीं में हो आप तो सबकी क्लास को हाईजैक करोगे फिर एक बोलेगा सर आप इनका कमेंट ही क्यों पढ़ते बेटा आप भी दिल में नोट्स ही चाहते हो आप भी दिल में नोट्स चाहते हो मैं इसलिए आपको भी आप सीरियस हो ना आप और मैं ही तो क्लास में है आप और मैं क्लास में लेकिन आप भी नोट्स लिखना चाहते हो अंदर आपको भी यही है पैसा तब वसूल होगा समझना तो मुझे आ ही गया लेकिन जब तक ये लिखा नहीं होगा मैं याद कैसे करूंगा करो बिल्कुल है सीरियस लोगों से बात कर रहा हूं नॉन सीरियस तो ये है ही है बिल्कुल है ये सब लिखेंगे तो अगले आधे घंटे बच्चों हम लिखने वाले ताकि आपकी आत्मा तृप्त हो जाए है ना सावन का पहला सोमवार इससे अच्छा और क्या उपलक्ष्य हो सकता है है ना सौभाग्य हमारा संगठित होने उपरांत जलवाष्प विविध प्रकार के रूप आधा। आ, 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 रूप लेता है आ, कहें तो इंग्लिश में भी सॉरी इंग्लिश में लिखिए कहिए तो इंग्लिश में लिख देता हूं ठीक है और मैं बता दूं आपको कोरियोलिस बल आप समझ नहीं पाएंगे और उसके प्रश्न आप कभी उत्तर नहीं कर पाएंगे लेकिन आपके नोट्स हैं बेस्ट टीचर तो वही थे जिन्होंने हमें नोट्स दिए बेस्ट टीचर से थे आप यूनिवर्सिटी टॉप किया आप तो स्कूल में पढ़ना छोड़ चुके उन नोट्स के चक्कर में तो आप नोट्स नहीं देते यार हमने हमने केजीएस में कभी कहा कि हम नोट्स देने के लिए आए हैं नोट्स देने के लिए तो अब जो है गूगल पे बोल दीजिए वो बोल भी देता है हम तो भूगोल को आपकी मुट्ठी में करवाने को आए कि भूगोल ऐसे पकड़ के फेंक के मारेंगे भाई भूगोल में हमसे मजाक ना करना हमको भूगोल आ गया अपने नाम के आगे चंपक आईपीएस चंपक लिख देने चाचा आईपीएस नहीं बन जाओगे अपने नाम के आगे ये लिख देने से और ये सर लिखवाए दीजिए तब ना हम पढ़ेंगे सर अभी तो हम सीरियस नहीं आधा तो पिछले रात की उतरी नहीं है सर आज नोट्स लिख लेंगे जब उतरेगी तो समझ भी लेंगे करिए जो करना खत्म करें क्लास यार दो दिन की क्लास है खत्म करो यार या मजाक बैठे हुए यहां पर लोग टीचर पूरे जोश को लेकर आए कि भाई आज सब बढ़िया से समझाएंगे यार बैठ के सर नोट्स ले लो सर लिखवाए नहीं रहे हो क्यों नहीं लिखवाए रहे हो सर वो वाले तो बहुत अच्छा लिखवा रहे हैं आप वाला नहीं चल रहा है अरे भाई जो जिस विषय के लिए जरूरी है उस हिसाब से जोग्राफी हमारे कदमों में ज्योग्राफी अगर मुझे आ गई तो आपको आ जानी चाहिए ज्योग्राफी ऐसी तो निकलेंगे, निकलेंगे, में वहां पर भी होगा पुलिस को एक्शन लेना है जिला में पुलिस को एक्शन लेना भाई नोट्स ढूंढ रहा क्या एक्शन लू क्या एक्शन लू तब तक एक ईट आकर लग जाएगी आंदोलनकारी की सिर फूट जाएगा साथ में बटालियन भी खतरे में जाएगी IPS. क्लास में अपने नाम के आगे, IPS लगा अब हम हो IPS हम गए कर लिए देखो देश की क्रांति मजाक बना दी तो ये लोग सीरियस लोगों से कहने के लिए सीरियस लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं उनके लिए कह रहा हूं आपको ये भी दे रहा हूं और आपको ये भी दे रहा हूं चयन आपको करना है नॉन सीरियस तो मुझे पता है कि अगले सत्तर वर्ष तक ये चलते रहेंगे है ना ये जुबा केसरी लेकिन आपको अगर ये जॉटिंग्स मिल रहे हैं और जब कुहासा क्या है ये शिक्षक आपको बता रहा है तो आप उस समय क्यों नहीं लिख रहे होते हैं? क्यों नहीं लिखेंगे और क्यों नहीं आप अपने विचार लगाएं सर आसमान साफ होता है तो क्यों ये ज्यादा होता है आपको इसीलिए कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं सर ये पिछले वर्ष के कब कराओगे ये उसी पिछले वर्ष की वजह से ये लेक्चर में सम्मिलित हुआ है ताकि आप इसे समझ सकें ठीक है तो फिर से बता रहा हूं कुछ ने कहा सर ये अनॉर्मली है बेटा अगर अनॉर्मली होते तो बात ही क्या थी बात ये अनॉर्मली नहीं है ये आपके मन में भी कहीं गहरा है तभी जब लोग कहते हैं सर ज्योग्राफी समझ आता है सर हौसला नहीं आ रहा है क्योंकि आपको कहीं पे लग रहा है मैंने ये लिखे नहीं हुए और मैंने आपको पहले दिन बता दिया था एनसीआरटी के आखिरी तीन पेजों में कक्षा ग्यारहवीं में ये लिस्ट बनी हुई लिस्ट से लिखे हुए हैं ये हाँ बट समझना मुश्किल है भाई वहां पर समझना निश्चित रूप से मुश्किल है तो बहुत दिन बाद फिर से मैंने क्लास रोकी इस बात के लिए कि भाई नोट्स लिखवा दो नोट्स लिखवा दो नोट्स लिखवा दो मैं ऐसा शिक्षक हूं ही नहीं मैं बहुत ही क्लियर हूं कि अगर समझ आ गया तो यूपीएससी के सारे के सारे प्रश्न हल हो जाएंगे लिखित मटेरियल आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है जब पीडीएफ सर ये तो बहुत कठिन है सर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो क्या चाहिए भाई ना समझ विकसित करोगे सिर्फ डिक्टेशन डिक्टेशन का तो यूपीएससी है नहीं भाई सर नहीं वो वाले टीचर तो बहुत अच्छे से डिक्टेट किए थे अरे भाई वो वाले टीचर का विषय वैसा होगा मेरा तो विषय वैसा नहीं है उनकी शैली वैसी होगी मेरा मेरी शैली वैसी नहीं है ठीक है तो अब चलते हैं जो ऊपर की चीजें बनी बादल मेघ तो बादल बने कैसे बादल बने कैसे सिंपल संघनन से संघनन हुआ होगा किसका हुआ होगा वायु का कौन सी वायु का आर्द्र वायु का सही कह रहा हूं मैं आर्द्र वायु का संघनन कैसे हुआ होगा यह शायद ठंडी हुई होगी ठंडी क्यों हुई होगी जब हवा नीचे से ऊपर उठती है तो तापमान का ह्रास होता है लैप्स होता है इसलिए ठंडी हुई होगी कारण समझ में आए अरे हाँ, यहां तो ठंडी हुई होगी अगर यहां पे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो धीरे धीरे एक किलोमीटर पे और कम दो किलोमीटर तीन किलोमीटर कम होती गई कम होती गई हो सकता है यहां आते आते तक इसका तापमान डिग्री सेल्सियस रह गया समझ में आ गया <coughs> क्लियर तो हमारे क्या बन गए बादल बन गए बादल तो बन गए लेकिन बादल के बहुत सारे प्रकार हैं बहुत सारे प्रकार हैं और आसमान में बादलों को समझना अपने आप में एक चुनौती है तो मौसम वैज्ञानिकों ने क्या किया मेघों का वर्गीकरण कर दिया वर्गीकरण 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 का मतलब क्लासिफिकेशन हैं लिखते रहिए है। सर नोट्स नहीं लिखवा रहे हैं सर का कहें माउसी समझ सब आ रहा लेकिन नोट्स नहीं लिखवा पा रहे हैं हम आईपीएस कैसा बनेंगे <coughs> तो कैसे किया उन्होंने वर्गीकरण एक तो उन्होंने उनके आकार पे आकार या शेप आधारित कर दिया शेप के आधार पर और दूसरा वर्गीकरण किया ऊंचाई के आधार पर ऊंचाई का आधार हाइट सभी लोग मेरे साथ ऊंचाई के आधार पर और साइज के आधार पर so, सो ऐसा देखा गया कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर कुछ इस तरह की बादलों की चादर आ जाती है अगर इस आकार के बादल होंगे तो उनको क्या कहेंगे स्तरी बना रहे हो बनाते रहो बच्चों स्तरी स्तरी का मतलब स्ट्रेटस अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटस कुछ कुछ रूई के गोले जैसे ऐसे भी होते हैं ऐसे होते हैं रूई के गोले इनको कहा गया कपासी कपास रूई क्यूमुलस लिख रहे हैं अंग्रेजी में भी लिखिए और कुछ बादल बहुत महीन रेशे ऐसा महीन रेशा एकदम महीन रेशे जैसे फाइबरस होते हैं इनको कहा जाता है सिरस या पक्षाब So, हमने क्या किया बच्चों बादलों का वर्गीकरण किया बादलों का वर्गीकरण किया उनको नाम दिया जो ऐसे फैल जाते हैं चादर की तरह उन्हें कहा स्ट्रेटस स्तरी जो इस तरह गोल गोल वो हैं उनको क्या कहा कपासी और ऊपर जो है उनको क्या कहा सिरस जो रेशे की तरह है ठीक है सो मैं क्लास के बाद एनसीईआरटी से नोट्स बनाती हूं बहुत अच्छा काम करते हैं बच्चे चलिए तो ये हो गए अब इसमें उन्होंने ऊंचाई में भी वर्गीकरण कर दिया अगर जीरो से दो किलोमीटर तक है तो ये क्या हो गए निम्न बादल दो किलोमीटर की ऊंचाई अगर दो से छ है तो इसको कर दिया मध्य बादल मध्य मेघ और छह से ऊपर ऊंचे इनको कहा गया हाई क्लाउड मीडियम क्लाउड लो क्लाउड मुश्किल तो नहीं था मुश्किल तो नहीं था सभी लोग क्लियर है अब क्या होता है कि सारे सारे बादल सारे के सारे बादल इन्हीं में सम्मिलित हैं इन्हीं में सम्मिलित हैं तो लो मीडियम हाई ऊंचे मध्य निम्न यह भी आपको जानकारी मिल गई स्तरीय और ये अब एक बादल ऐसा था कि बादल तो आया लेकिन उसने वर्षा नहीं की ठीक है एक बादल आया लेकिन उसने वर्षा नहीं की तो अब हम चाहते कि बादल वर्षा करे लेकिन हर बादल वर्षा नहीं करता तो जो बादल वर्षा करते हैं हमारे मौसम वैज्ञानिकों ने मिट्रोलॉजिस्ट ने उनको एक विशेष श्रेणी दे दी ये काला बादल और खूब वर्षीला बादल है इसको हमने क्या कहा निम्बस एन आई एम बी एस वर्षा मेघ तो कितने तरह के बादल हुए बच्चों पक्षाब कपासी स्तरी और वर्षा मेघ क्लियर ठीक है लो हाई मीडियम भी ठीक है चलिए अब एक फ्रेश पेज लेंगे फ्रेश पेज लेंगे बच्चों यहां पे लेंगे लिखेंगे दो किलोमीटर यहां पे लिखेंगे छह किलोमीटर ठीक है इसका नाम बताइए वन का नाम बताइए टू का नाम बताइए थ्री का नाम बताइए सर पहला है स्तरी एस टी यानी स्टेटस, दूसरा है कपासी यानी क्यूमुलस और तीसरा है पक्षाब अंग्रेजी में इसका सिंबल है सिरस सभी लोग ठीक है अब ये क्या है यह तो रुई वाला है रूई वाला है लेकिन एक स्तर में एक लेयर में है तो इसे क्या कहेंगे इसे क्या कहेंगे स्ट्रेटो क्यूम्यूलस स्ट्रेटो क्यूम्यूलस स्ट्रेटो मतलब स्तरी कपासी कॉम्बिनेशन हो सकता है हो सकता है इसका बच्चों क्या नाम है चार का मैंने आपको बता दिया चार नंबर क्या निकला पांच नंबर का नाम कौन बताएगा मुझे पांच नंबर क्या है सर ये वर्षा है बहुत अच्छी बात है लेकिन आकार में क्या स्तरी है तो क्या हम इसको वर्षा स्तरी कह सकते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं निम्बो स्ट्रेटस ये होता है तूफान वाला बादल सॉरी बहुत गड़गड़ाहट गर के साथ आता है बिल्कुल आता है और वर्षा भी कर रहा है छ नंबर का नाम बताइए सर ये तो कपासी है अच्छी बात है कपासी क्यूमुलस सर ये वर्षा भी कर रहा है निम्बस कपासी वर्षा मेघ इसे ही इसे ही स्टॉम क्लाउड भी कहते हैं स्टॉम क्लाउड सो तूफान में कौन सा होता है निम्बस होता है ठीक है सभी लोग मेरे साथ तो इनके जोड़ से भी कई वर्ग बन गए आप जीएस के छात्र हैं क्या आप मोटी मोटी चीजें समझ गए ठीक है जो अंग्रेजी में ये होता है अंग्रेजी में जहां पर भी शब्द स्ट्रेटो आ गया ये अक्सर स्तरी होता है जहां पे भी शब्द अल्टो आ गया अल्टो का मतलब मिडल क्लाउड मध्य में अल्टो होते हैं स्ट्रेटो किस में होते हैं निचला क्लाउड निम्न क्लाउड और सिरो शब्द कहां पर आता है पक्षाबी शब्द कहां पर आता है ऊंचे बादल में सिरस जो होता है जो पक्षाब होता है यह विशेष होता है विशेष होता है क्योंकि यह बर्फ के कणों से बना है हिम कण से बनता है यह कभी वर्षा नहीं देता कभी वर्षा नहीं देता और मैं आपको एक और चीज बता दूं कभी कभी आप चंद्रमा देख रहे होते हैं और चंद्रमा के आसपास आपको एक गोला सा दिखाई देता है आभा मंडल जिसको अंग्रेजी में हेलो कहते हैं वो आभा मंडल जो है वो भी इसका परिचायक है कि आपके और चंद्रमा के बीच में एक बादल है जो ये काम कर रहा है हेलो हेलो का फिनोमिना या आभा मंडल सर ये आभा मंडल क्या होता है आपने देखा होगा देवी देवताओं की जब तस्वीर होती है तो उनके सिर के आसपास एक प्रकाश होता है वो आभा मंडल होता है तो ऐसे कभी कभी चंद्रमा को आप देखेंगे चंद्रमा के गोले के आसपास हल्का सा प्रकाश फैल रहा होता है उसे अंग्रेजी में हेलो कहते हैं ठीक है थीके? कभी देखा है हेलो क्लियर है बादल समझ में आ गए इतना काफी है आइए बादलों को जरा देखें बादल बनाए ये क्यूमलो निबस है ये अल्टो अल्टो मतलब बीच में होता है ना अल्टो मतलब मध्य आपने लिख लिया होगा अल्टो अल्टो स्ट्रेटो स्ट्रेटस निम्बस सीरस सीरो क्यूमुलस ये सारी चीजें आशा आपको समझ में आ गई सर कौन से क्लाउड में ज्यादा बारिश होती है पहली चीज वर्षा में हमेशा निम्बस होता है सो so, निम्बस आपका प्रश्न स्पेसिफिक है सर कौन से में ज्यादा होती है तो दो आपके सामने बच्चों बारिश वाला बादल एक्स है और बारिश वाला बादल वाई है जल्दी से बताइए कौन से में ज्यादा होगी सर प्लीज सर आप क्लास क्यों बंद करो अरे भाई नोट्स बनाना ना गैप में नोट्स बनाना दहेज भी तो इकट्ठा करना है तुम लोगों को तुम लोग कौन सा भूगोल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो भूगोल गया भाड़ में यार मास्टर जी ऐसे बहुत आते हैं रोज मास्टर आते हैं क्या टेंशन है नोट्स बनाएंगे बनाओ बनाओ टेंशन खूब समय दे रहा हूं बढ़िया से नोट्स बनाना दो चार पीढ़ी तक चलना चाहिए इसमें ज्यादा होगा क्यों बच्चों क्योंकि यहां पर ऊंचाई में बार बार सम्मेन हो रहा है।, है ना तो वो हवा जा रही है आर्द्र हवा तो इसमें खूब पानी है तो आप खुद बताइए कभी कभी एक छोटा सा बादल आ रहा ये वाले बादल देखे कि नहीं आपने वो दूर से आ रहे होते हैं देख के भाई आज जो है बरसेगा दिल खोल के बरसेगा अब ऐसा कह दो कि हमने कभी नहीं देखा तो अलग बात हो जाएगी सर पार्थिव विकिरण तो दिन में भी निकलता है रात को ही नगर ठंडा क्यों होता है शिवानी जी थोड़ा दिमाग लगाइए ना रात को सिर्फ निकल रहा है दिन में तो आ भी तो रहा है ना हीट सूर्य तप भी तो आ रहा है सर पार्थिव विकिरण तो सर दिन में भी निकल रहा है रात में भी निकल रहा है सर रात में क्यों ठंडा होता है अरे बेटा उस दिन आए भी तो हो रही है दिन में आपके घर में पैसा आ रहा है दिन में आप खर्च भी कर रहे हो लेकिन रात में पैसा आने रहा सिर्फ खर्च कर रहे हो तो कम हो जाएगा ना लॉजिक लॉजिक ज्योग्राफी का मतलब केवल लॉजिक ज्योग्राफी का मतलब ही नहीं है डिक्टेशन अब वो अलग बात है कि आपको डिक्टेशन की आदत है चलस पुरानी है आसानी से नहीं जाती ठीक है लॉजिक लॉजिक यहां तक सभी को समझ में आ गया यह हमने अंग्रेजी में दिया हुआ है मिस्ट हमने अभी आपको बताया मिस्ट क्या होती है कोहासा और 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 फॉग क्या होती है फॉग होती है कोहरा जब धुआं धुआं और कोहरा मिल जाता है जिसको कहते हैं धूम कोहरा या फिर धुआंसा उसको अंग्रेजी में स्मॉग भी कहते हैं स्मोग प्लस फॉग शहरों में हो जाता है ठीक है यहां तक क्लियर आइए चलिए बादल बनाए आपके लिए थोड़ा सा कल्पना बढ़ाने के लिए बहुत से लोगों के पास कल्पना नहीं है तो बच्चों यहां पर ना यहां पर हवा है कौन सी हवा है आर्द्र हवा है ये ऊपर जा रही है ऊपर जाएगी तो क्या होगा ऊपर जाएगी तो ऐसे उठेगी ठंडी होगी बादल बन जाएगा और फिर इसमें जब ये बूंदे भारी हो जाएंगी गिर जाएंगी तो ऐसे बादल बनता है ठीक है अच्छा सर ऐसे बनता है बिल्कुल ऐसे बनता है आपने कभी सोचा नहीं था ठीक है सर लेकिन बर्फ कैसे बनती है देखिए जब तक यहां तक आए अगर आपका तापमान कुछ पांच सात डिग्री है तो तो बूंद बनेगी मान लीजिए तापमान यहां पे माइनस बीस हो गया तो बूंद क्या बन जाएगी सर तब तो बूंद बर्फ बन जानी चाहिए तो जो बूंदे हैं ना क्योंकि तापमान माइनस पंद्रह है माइनस पांच है तो बूंदे क्या बनती जा रही है बादल में क्या बन गए हिम सोचने की बात जितना सोचोगे उतना क्लियर अब तो दिमाग में अच्छा बस ऐसे ही जाना होता है सर लेकिन ये हवा उठती क्यों है हाँ ये उठती क्यों है हवा इसलिए उठती हवा यूं चली जा रही थी उसके सामने पहाड़ आ गया उसने कहा ना भाई आगे तो नहीं जाने देंगे उठना पड़ेगा उठे तो ठंडे हुए उठे तो ठंडे हुए और उससे बन गए बादल ठीक है सर शोभ मंडल में बारिश होती है क्या पता नहीं क्या मजाक कर रहा है शोभ मंडल ही तो बात हो रही है शोभ मंडल की तो बात हो रही है ये पता नहीं कौन से मंडल में रहते हैं आप समझ रहे हैं ये ये कोई किताब विताब नहीं पढ़ा है ये कोई टेस्ट में पढ़ा है इसलिए बेचारे को टेंशन है अब एक क्लास रेगुलरली करो सब समझ में आ जाएगा तो समझ में आया बच्चों बादल कैसे बनता है और ये कैसे होता अच्छा सर ये बादल में बिजली क्यों चमकती है बिजली क्यों चमकती है देखें बिजली क्यों चमकती है बच्चों तो ये बादल है खतरनाक वाला बादल खतरनाक वाला बादल पृथ्वी पृथ्वी पर पानी खूब सारा पानी कहां पर सर जलाशय हो सकते हैं मृदा हो सकती है यह हुआ और सूर्य की वजह से गर्मी हुई सूर्य का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से जो गर्मी आ रही है वो क्या करेगी जलवाष्प को सर जलवाष्प को ऊपर ले जाएगी वाष्पीकरण होगा सर ये संघनन होगा और ये बन गए बादल बादल बन गए बादल बन गए सभी लोग मेरे साथ ठीक है, बादल बन गए अभी क्या हो रहा है ये सब ऊपर उठ रहे हैं क्यों वाष्पीकरण वाष्पीकरण हो रहा है वाष्पीकरण में जब आपस में टकराएंगे बूंदे टकराएंगी पानी की बूंदे है ना पानी की बूंदे आपस में टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी बच्चों टकराएंगी तो उससे क्या होगा चार्ज बनेगा चार्ज आवेशित चार्ज चार्ज बनेगा जैसे कभी आपने देखा कपड़ा नाइलॉन का कपड़ा किसी का छू तो करंट आता है ना स्पार्क बनेगा घर्षण की वजह से तो घर्षण की वजह से क्या होगा चार्ज चार्ज आ जाएगा चार्ज। कौन सा चार्ज है बच्चों ये फ्रिक्शन घर्षण की वजह से आवेश विद्युत स्टैटिक चार्ज कहते हैं अंग्रेजी में ये तो याद है ना स्टैटिक चार्ज आ गया ठीक है, स्टैटिक चार्ज आ गया आपको पता है चार्ज का मतलब वोल्टेज होती है चार्ज का मतलब वोल्टेज होती है तो यानी बादल में क्या आ गई वोल्टेज वोल्टेज मतलब इसके पास इतनी वोल्टेज है अगर इसमें तार जोड़ दो तो उस तार से आप मोबाइल चार्ज कर लोगे अच्छा सर इस तार से आप अपने घर की लाइट जला लोगे अरे वाह बहुत अच्छा कितनी वोल्टेज आती है आपके घर में बच्चों कितनी वोल्टेज आती है वोल्टेज कितनी आती है आपके घर में कितनी वोल्टेज आती है सर 220 आती है मेरे उसमें 220 240 आपके घर में ही आपका घर छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा घर और आप यहां पर हो 240 वोल्ट पर हो कोई दिक्कत नहीं सर 240 220 सर 440 ठीक है यहां पे पता है कितना है लाख वोल्ट अगर तो भैया तार आपसे जुड़ गई तो यूं बिजली भागेगी मोबाइल चार्ज नहीं होगा सब जला के राख कर देगा कर देगा कि नहीं कर देगा अरे सर ये तो बहुत खतरनाक है आपके मोहल्ले में बिजली की तारें हैं उनमें वोल्टेज है आपको डर लगता है क्या नहीं सर वो तो ऊपर है ना डरना चाहिए जब आप उसे छुओगे, जब आप उसे छुओगे, तभी तो डरना चाहिए तो बादल तो आप छू नहीं रहे बादल और आपके बीच में क्या है बादल और आपके बीच में क्या है हवा है हवा क्या है कुचालक है कुचालक मींस पुअर कंडक्टर है हवा हमें बचाती है बच्चों हवा कुचालक है ऊपर वोल्टेज है बादल में और नीचे नीचे अर्थ को क्या कहते हैं ग्राउंड ग्राउंड जीरो होता है ना ग्राउंड जीरो होता है या नेगेटिव मान लो जो भी है ग्राउंड जीरो होता है न्यूट्रल होता है न्यूट्रल होता है तो अच्छा है हवा है लेकिन जैसे-जैसे ये जैसे-जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा ना बच्चों वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है बच्चों बारिश भी है मौसम बारिश का भी है थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए यह हवा इतना ज्यादा वोल्टेज हो गया सुचालक बन गई जैसे ही सुचालक बनी आप यहां खड़े थे और आप पर आ गई बिजली इसे कहा जाता है लाइटनिंग बिजली गिरना ऊपर वोल्टेज थी नीचे आप थे अगर आ गया तो यह गड़बड़ समझ में आ गई सर इंसान के ऊपर कैसे गिरती है ऐसे गिरती है रूपा जी ऐसे गिर जाती है क्या सामान्यता गिरेगी नहीं गिरेगी कब गिरेगी जब बहुत ज्यादा वोल्टेज का डिफरेंस हो जाएगा इतना ज्यादा कि एक बार को वायुमंडल भी भाई थोड़ी देर के लिए मौका दे दो बट नीचे आना बहुत मुश्किल है ऊपर आसान है तो यहीं पर क्या करता है आपस में अंदर भी कभी कभी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है बादल में तो इसी के अंदर भी बिजली चमकती रहती है तो आपने देखा होगा बादल कभी कभी सेल्फी लेता है तो बादल सेल्फी नहीं ले रहा होता है बादल के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसके अंदर से विद्युत भागी और जैसे ही भागी तो वो बिजली के रूप में दिखाई दी तो कितने लोग पहली क्लास से पूछे सर जब दो बादल आपस में टकराते तब बिजली कड़कती है कि नहीं हाँ छोटा भीम में यही दिखाया जाता है छोटा भीम में यही दिखाया गया बचपन में लेकिन विज्ञान क्या कहता है विज्ञान ये कहता है जब वोल्टेज का अंतर हो जाता है तो सडनली जब वोल्टेज इक्वलाइज होती है न्यूट्रल होता है तो उसमें अचानक विद्युत प्रवाहित होती है वो विद्युत प्रवाह दिखता है उसे कहते हैं बिजली चमकना समझ में आया सर लेकिन वो तो गड़गड़ाता भी है हाँ गड़गड़ाता भी है तो आपको बताना चाहता हूं जब बिजली चमकती है तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती है ध्यान दीजिएगा बिजली जब चमकती है तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती है उस हीट के कारण हवा बहुत तेजी से फैलती है फैलती हुई हवा आवाज करती है थंडर स्टॉम इज द साउंड ऑफ एक्सपैंडिंग एयर गर्जन थंडर इज साउंड ऑफ वायलेंटली एक्सपेंडिंग एयर ऐसा नहीं है कि दो बादल आपस में टकराए दूर 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 आवाज आ गई बम नहीं बे. दोनों गैस हैं. गैस के टकराने से बम थोड़ी पड़ता है तो जब बिजली चमकती है तो बिजली के अंदर विद्युत होता है विद्युत की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है उस गर्मी के कारण बहुत तेजी से हवा एक्सपैंड करती उसकी आवाज यह होती है सब बस हवा की आवाज होती बिल्कुल हवा की आवाज होती जो आपके दिल में डर पैदा कर सकती है इतनी तेज आवाज होती है अब मेरा सवाल आप लोगों के लिए ऐसा क्यों होता है कि बिजली पहले दिखती है और आवाज बाद में आती है कौन लॉजिक लगा के बताएगा जल्दी बताइए कौन बताएगा मुझे जल्दी से बताइए सर बस इतनी सी बात है बिल्कुल इतनी सी बात है विद्युत चमकेगा और ऊष्मा होगी ऐसा क्यों होता है कि दूर बादल में अचानक बिजली चमकी आपने देखा वहां बिजली चमकी और थोड़ी देर बाद कुछ सेकंड गुड़ गुड़गुड़ गुड़, गुड़। देखिए कितने समझदार लोग हैं एकदम लॉजिक लगा रहे हैं सर देखिए जब बिजली चमकती है ना तो वो प्रकाश की गति से आपके पास आती है और प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत ज्यादा है सर दोनों एक ही साथ शुरू हुए थे दोनों एक ही साथ शुरू हुए थे प्रकाश की गति से आई तो आपको दिखा पहले और सुनाई बाद में दिया लॉजिक सर ये लिखवा देते तो सर मोक्ष मिल जाता अरे भाई रिकॉर्डिंग है फिर लिख ले दूसरी बार देख ले कोई पाप हो जाएगा अपनी पसंदीदा फिल्म तो कितनी बार देखते हो और वो वाली फिल्म जो बिना आवाज के देखते हो तो इतनी बार देखे हो कि टेप रिकॉर्डर खराब हो चुका उसका भूगोल की किताब दूसरी बार नहीं देखेगा बताओ समझ में आ गया डिफरेंस वो हवा के संपर्क में नहीं दोनों की स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ साउंड आर डिफरेंट विद्युत बहुत तेजी से चलती है तो लाइट आपको जल्दी दिखेगी और आवाज थोड़ी देर बाद होगी समझ में आया प्रकाश की तरंगे धीरे ध्वनि की अधिक बहुत अच्छी बात है माही कुमार जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं या कह रही हैं जो भी हैं आप तो इतने तो स्मार्ट लोग हैं यार लेकिन नोट्स लिखने सर ये कुचालक अगर लिखवाए देते तो बहुत बढ़िया शुक्र मनाओ कि हवा कुचालक है अगर हवा सुचालक होती तो पड़े पड़े सीधा करंट अपने पर ही आता ठीक है चलिए कल्पना 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 बहुत जरूरी है किताबों में कल्पना नहीं होती बच्चों ये क्या हो रहा है समवेहन हो रहा है बूंदे ऊपर जा रही हैं हवा ऊपर जाती है देखिए पॉजिटिव चार्ज बन रहा है ऊपर बन रहा है कि नहीं नीचे आ रहा है घर्षण की वजह से तो ये चार्ज सेपरेशन हो रहा है जितना ज्यादा चार्ज बादल में आता जाएगा उतना ज्यादा संभावना कि अब बिजली कड़केगी कुछ बादल में कड़केगी कुछ नीचे कड़केगी कुछ नीचे जाके कड़कने वाली है कुछ बादल में इंट्रा क्लाउड फ्लैश अंदर ही चमक गई अंदर ही फोटो खिंच रही है अंदर भी चमक सकती है और नीचे भी जाकर आप पर भी जाकर नीचे गिर सकती है समझ में आया अच्छा सर ऐसे गिरती क्लियर ये है वो बादल वो प्रकाश जो हमने कहा कपासी मेघ बादल इसमें चार्ज सेपरेशन हो रहा है चार्ज सेपरेशन हो जब बादल आपस में घर्षण कर रहे हैं कन्वेक्शन हो रहा है बहुत तेजी से कन्वेक्शन हो रहा है तो उस वजह से क्या होता जा रहा है बिजली चमकेगी वो चार्जेस का सेपरेशन सो so ये क्या है बिजली का चमकना किसी इंद्र देवता का गुस्से की बात नहीं है ये सिर्फ फिजिक्स है फिजिक्स में ग्राउंड टू ग्राउंड इंट्रा क्लाउड भी हो सकती है कहीं पर भी ये बिजली गिर सकती है सभी लोग मेरे साथ सोनू सिंह जी कह रहे हैं एक बार फिर बता दीजिए सोनू सिंह जी रिकॉर्डेड है एक बार फिर से सुन लीजिएगा बताओ से इतना आसान था तो साइंस वाले इतना मुश्किल क्यों बताते हैं भाई इतना ही था जो आपको चित्र बना दिया ये उत्तर है आपका यहां पर ये उत्तर ठीक है थीके? अच्छा एक बात बताइए बच्चों मुझे जलवाष्प है और ऊपर जा रहा है ये जल कब बनेगा जल्दी से बताइए किस तापमान पे बनेगा बच्चों जलवाष्प किस तापमान पर किस तापमान पर जल बनेगा कौन बताएगा मुझे जलवाष्प किस तापमान पर जल बनेगा यहां पर तापमान है 20 डिग्री यहां 10 डिग्री यहां 5 डिग्री यहां 2 डिग्री सर संगणन बिंदु अरे वाह बहुत अच्छी बात है यार आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो तो ये तापमान दो डिग्री सेल्सियस है ड्यू पॉइंट है अगर यह हवा इसके ऊपर गई तो बच्चों क्या बन जाएगा जल्दी से बता दो मुझे यह हवा उठ रही है यह हवा जैसे ही इस ऊंचाई को पार करेगी बच्चों जैसे ही ये इस ऊंचाई को पार करेगी तो यह जलवाष्प क्या बन जाएगा सर तो पानी की बूंद बन जाएगा ओके वेरी गुड सबको समझ में आ गया आसान था मुश्किल तो नहीं था ऊंचाई पे गए तो यह हो गया लेकिन अगर संवेहन बहुत ज्यादा है अत्यधिक संवेहन है बहुत ज्यादा है क्यों क्योंकि यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है तापमान बहुत ज्यादा है तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस और कौन सा क्षेत्र है सागर का तट तो आप सोचिए वाष्पीकरण के लिए दोनों चीजें हैं कि नहीं सर जल जलराशि भी है और तापमान भी ज्यादा है सो बहुत ज्यादा वाष्प बन रहा है कि नहीं बन रहा है बच्चों बन रहा है और वो ऊपर उठता जा रहा है ठीक है तो ये जो बूंदे बनी ये बूंदे और ऊपर जाती हैं अब ये रुकती नहीं ये बूंदे भी ऊपर उठ रही है ये बूंदे ऊपर उठती जा रही हैं ठीक है थीके? और यहां पर बच्चों तापमान है ये तापमान है माइनस डिग्री सेल्सियस ये क्या है और जीरो डिग्री सेल्सियस यहां पर ये क्या हो गया हिमांक तो बच्चों ये जो बूंदे हैं जल्दी से बताइए मुझे जो आपकी ये बूंदे जो उठती जा रही हैं जैसे ही इस बिंदु को क्रॉस करेंगी तो ये बर्फ बन जाएंगी के नहीं बर्फ बन जाएंगी हा या ना बनेंगी तो यहां पर क्या था बच्चों वाष्प यहां पर क्या है जल और यहां पर क्या है बर्फ क्यों अलग अलग है तापमान कॉन्सेप्ट है इसे बना लिया इसको समझ गए इसमें नोट्स क्या है? अच्छा अब एक बात बताऊं बच्चों आपको ध्यान दीजिएगा अब, अब सब रुक जाइए सब लिखना बंद करिए सब लिखना बंद करिए ये जो बर्फ के कण है ना ये भारी है ये बर्फ के कण ये भारी हैं तो ये भैया नीचे आने लगता है ये नीचे आता है जैसे ये नीचे आता है यह पानी से टकराता है और पानी की बूंद इस पर जम जाती है और नीचे से धक्का लगता है ये वापस ऊपर पहुंच जाता है अब यहां पर यह इतना बड़ा हो गया यह फिर से इतना भारी है फिर वापस आता है लेकिन नीचे से क्या लग रहा है संवेहन हो रहा है धक्का लग रहा है वो नीचे ही नहीं गिरने दे रहा है क्योंकि बार बार इतना तेज धक्का लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप सोचिए आप मेट्रो ट्रेन में बंबई की लोकल से आप उतरना चाह रहे हो लेकिन लोग आपकी तरफ आ रहे हैं आप उतर ही नहीं सकते तो ये बेचारा भारी है नीचे गिरना चाहता है लेकिन रास्ते में इसे धक्का लग जाता है और जब ये बर्फ है जब इस बर्फ पर पानी के संपर्क में आती है वो पानी भी इसके चारों तरफ जम जाता है और फिर बेचारे को धक्का लग जाता है ऐसे अगर ये चार पांच बार आया बार बार आप सोचिए ऊपर जाता है नीचे आता है ऊपर जाता है नीचे आता है जब भी नीचे आता है जब भी नीचे आता है तो इस पर बर्फ जम जाती है तो क्या चार पांच बार में इस पर कई परतें जम जाएंगी बर्फ की या नहीं हाँ या ना बताइए बार बार ऊपर नीचे आने जाने में ऊपर तो बर्फ है जब नीचे आता है बेचारा वजन से तो पानी से टकराता है पानी इस पर जम जाता है फिर ये ऊपर जाता है क्योंकि नीचे से धक्का लग रहा है अब ये मोटा हो चुका है फिर नीचे आएगा फिर इस पर तो ऐसे परत दर परत एक प्याज की तरह ये बर्फीला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जल्दी से बताइए हो, हो जाएगा हो जाएगा और ये बड़ा भी होता जाएगा जब ये इतना बड़ा हो गया कि एक किलो चीनी के थैले जितना बड़ा हो गया अब ये कहेगा रोक के दिखाओ बे इतना बड़ा हूं मैं तो ये धम करके नीचे आएगा और आपके सामने गिरेगा इसको क्या कहेंगे ओला समझ में आया बच्चों ओला क्या होता है ओला कौन से बादल में बनता है ओला इन बादलों में बनता है जो बहुत ऊंचे होते हैं जिनमें हिमांक तक सब ठंडा हो चुका है और ओला कब बनता है जब बहुत ज्यादा समवेहन होता है अत्यधिक समवहन होता है उस समय ओला बनता है समझ में आया सो so, ओला ऐसे ही नहीं बन जाता सर मैंने ओला देखा सर कभी बताइए ओला के बारे में तो ओला सिर्फ वही सिद्धांत है वाष्प बना जल जल बना बर्फ बर्फ थी भारी नीचे आने की कोशिश की टकराई पानी से और उस पर पानी की सतह और जम गई फिर धक्का लग गया आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है पूरी प्रक्रिया में बड़ी होती जा रही है इतना मुश्किल तो नहीं था अरे ओला बता देते तो बहुत अच्छा था बता क्या दे दिखा दें ये देखो तेजी से ऊपर जा रहा है और ये कण बेचारा नीचे आना चाह रहा है और यहां पर बड़ा होता जा रहा है उस पर और बड़ा और बड़ा ये गेंद की तरह नाच रहा है नीचे क्यों नहीं गिर सकता क्योंकि नीचे नीचे से ये हवा आ रही है कौन से बादल में इस बादल में ऊंचे बादल के मध्य में ये खेल हो रहा है और क्या बन रहा है ओला बन रहा है सभी को ओला भी समझ में आ गया सारी आर्द्रता से जुड़े सिद्धांत कैसे बने क्यों बने क्या बिजली कड़कती है क्या तूफान होता है सब तरह समझ में आया कि नहीं सर जितना गिरता है उतना बरसता नहीं है। तो मैंने कहा ये विशेष परिस्थितियों में बनता है कहां पे बनता है बहुत ऊंचे बादलों में बनता है जब बहुत ज्यादा अत्यधिक संवहन होता है तब बनता है ये और क्यों ये बड़ा होता जा रहा है आप देख रहे हैं परत 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 ये जब नीचे आता है तो ब... पानी से टकराता पानी इस पर जम जाता फिर नीचे आएगा फिर एक और परत जमेगी अगली बार जब ओला गिरे अगली बार जब ओला गिरे तो रखिएगा और उसे चाकू से काट के देखिएगा आप चाकू से काट के देखेंगे तो इस तरह से कई परतों वाला मिलेगा समझ में आया यहां तक क्लियर मुश्किल तो नहीं था ये वाला बादल बहुत खतरनाक होता है ये जो बादल है ना देखिए आप मुझे एक बात बताइए कि बादल का अपना वजन होता है ये ये क्या है ये जलवाष्प है ठीक है ये अपना वजन रखती है लेकिन नीचे तो हवा है तो ये क्या करती है सामान्यतः ये अपने को फैला देती है फैलाने से क्या होता है फैलने से क्या होता है तैरना आसान हो जाता है हा या ना आप खड़े हुए तो पानी में डूब जाएंगे थोड़ा फैल जाएंगे तो आपका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा तो जो गैसे हैं ना अपने को फैलाना चाहती ताकि वो बादल स्थिरता से तैरता रहे लेकिन ये वाला जो बादल होता है ना भाई लोग ये एक ही एरिया में बहुत ऊंचा हो गया तो अब ये क्या हो गया बच्चों बहुत भारी हो गया है अब इसमें संवेहन भी हो रहा है ओला भी बन रहा है यहां पे बर्फ बन रही है यहां पर बूंदे बन रही हैं। ये बहुत भारी है कई बार क्या होता है बच्चों कि ये बादल इतना ज्यादा भारी हो जाता है इतना भारी हो जाता है कि ये तैर नहीं पाता धम करके धम करके नीचे गिर जाता है और यूं समझिए कि आसमान से एक नदी नीचे आई उस नदी को क्या कहते हैं बादल फटना क्लाउड बर्स्ट क्लाउड बर्स्ट पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों होता है क्योंकि पर्वतों में बच्चों ऐसे ऐसे पर्वत हैं इन्होंने इस बादल को कैद कर लिया ये बादल को फैलने नहीं दे रहे यह बादल तैर सकता था लेकिन इसको फैलने नहीं दे रहे इसको बेचारे को ऊपर ही उठना पड़ रहा है और एक बिंदु ऐसा आया कि इतना भारी हुआ फट करके नीचे गिर गया इसको कहते हैं बादल फटना तो जिस दिन आप गुस्सा होते हैं उस दिन सर बहुत ज्यादा समझ में आता है अरे यार बताओ मास्टर जी प्यार से पढ़ाए तो कोई नहीं तो प्यार से पढ़ाए तो सर जी नोट्स नहीं लिखवा रहे हो सर मास्टर जी एकदम जो है क्या नाम है उसका आदि पुरुष वाले डायलॉग लिखवाएंगे तब सर अभी कनेक्ट कर रहा है सर हनुमान जी से ऐसे वाले डायलॉग बुलवाए तभी आज की पीढ़ी से सर थोड़ा सा मैच कर पा रहे हैं पगलाए गए हो क्या हनुमान जी को उस तरह के डायलॉग दोगे तो भूगोल है भूगोल की तरह पढ़ाए या मुंतशिर जी की तरह नकली डायलॉग लिख दें आपके लिए विषय है विषय में समझ आ गया तो इसके बाद रह क्या गया अब तो प्रश्न बनाइए अब तो आपको समझ में आ गया बादल फटने का क्या कारण है अगर बादल को बहुत ऊंचा ले गए तो गड़बड़ है आप समझिए शहरों में अक्सर होता है शहरों में लोग प्लास्टिक का बैग यूज करते हैं गार्बेज बैग उसे कहते हैं कचरे का जो बैग होता है उसे गार्बेज बैग कहते हैं और रात में जाकर उसको जो है बड़े डस्टबिन में डालते हैं कई बार आपके जो कचरे का जो थैली होती है उसमें आप इतना कचरा भर देते बहुत भारी होता है आपको पता रास्ते में ही फट जाएगी थैली बादल फटना सिर्फ वही है बादल फटने का मतलब वो बादल में इतना ज्यादा जलवाष्प हो गया उसका इतना वजन है कि वो अपना वजन ही नहीं रोक पाया धड़धड़ा के पानी नीचे गिरा उसमें बारिश नहीं होती है भाई नदी बहती है नदी कुछ ही सेकंड में कुछ ही सेकंड में इतने मिलीमीटर पानी आ जाएगा ये इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सीमा भी निर्धारित कर रखी है कि कितने सेकंड में कितना पानी आएगा वो हम वैकल्पिक विषय के छात्रों को बताते हैं लेकिन है आपको समझ में आ गई हो ठीक है सर डेली टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया कीजिए सर प्लास्टिक के लिए अरे भाई अभी तो बता रहे हैं डेली बारिश ही तो हो रही है बारिश पे पढ़ा रहे हैं मास्टर जी या तो हम तुम्हें जो है सवाल लैला मजनू पढ़ा रहे होते तो तो बात भी थी भाई हम लैला मजनू तो पढ़ा नहीं रहे बरसात के मौसम में जब से आए हैं बरसात पे ही बात कर रहे हैं सर डेली पे जरा कुछ बता देते तो एक तो जितने लोग उतनी बातें भैया समझ में आया कि नहीं आया हवा पढ़ा नहीं पाए पढ़ानी थी आज हवा और पढ़ा गए आज आर्द्रता और उसमें भी बहुत से लोग जो हैं सर एक बार लिखवाए देते थे सर मोक्स आज ही मिल जाता पूरा पैसा वसूल हो जाता चराने बाराने जो बचे थे वो भी वसूल हो जाता अनुरोध है अब एनसीआर पढ़िएगा तोड़ के समझ में आएगी समझ में आया जो क्लास है उसके बता दिए हैं जब आपको ता, तापमान बता दिया उसके बाद दाब बता दिया वायु भी बता दिया वायु किस तरह से संवेहन होता है वाष्पीकरण कैसे होता है संगणन कैसे होता है बादल बिजली सब कड़क सब समझा दिया इसीलिए जब इसमें एक वायुयान घुसता है जब एरोप्लेन एक बादल में घुसता है तो उसमें भी घर्षण होता है वहां पर बहुत टर्बुलेंस होता है इसलिए वायुयान क्या कोशिश करेगा भाई ऊपर से ले जाओ पंगा मत लो बादल से बादल में घुसना बहुत अच्छी बात नहीं है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मुझे पता है इसके बाद आपकी बहुत सारी क्लास होती हैं कल की हमारी कोशिश है कि कल हम खत्म कर देंगे मुझे वायु पर बात करनी है वायु संचलन पर सो कोरियोलिस बल थोड़ा समझाना है तो सुना है बादल पहाड़ में उतर जाता है कभी कभी क्या सही है पुष्कर सिंह जी थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों ये मैं आपको पहले बता चुका हूं फॉग क्या मैंने आपको पर्वतीय फॉग दिखाई थी वैली फॉग तो जो पहाड़ों में बादल होता है क्या वो बादल उतर रहा है पहली बात तो ये दिमाग नहीं लगा रहे आप में से कितने लोग पहाड़ी क्षेत्र में गए ऊपर आसमान है बादल है लेकिन आपको घाटी में भी बादल दिखाई दे रहे हैं तो क्या वो बादल उतरा है या वो नीचे वाला आ, कोहरा और कोहासा है नीचे वाला कोहरा कोहासा है कि नहीं सर ऐसा लगा कि बादल नीचे उतर आए हां कवि यही कहेगा कवि की कल्पना यही है साहित्यकार यही कहेगा कि देखो घाटी में बादल आ गए हैं लेकिन आज भूगोल का छात्र तो समझ सकता अच्छा सर वहीं पर जाकर संघनन हो गया होगा ऊपर का बादल अलग है तो ये पहले बताया कई लोग एकदम हमारे आदि पुरुष के डायलॉग राइटर की तरह सोच रहे हैं तो ये मैंने आपको पहले ही क्लास के प्रारंभ में बताया तो आप यहां पर पहाड़ पर हैं आप पहाड़ पर हैं आप नैनीताल में हैं और आप देखते हैं अरे यहां तो सब बादल ही बादल है तो बिल्कुल बादल है वो सच में क्या है बादल नहीं है बच्चों वही संघनन हो गया है सर मेंस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देते कहे तुम्हारे पास नहीं पीवाई क्यों आ तो सर एक डिक्टेशन दे देते सर मेंस पी क्यू के लिए सर वो कर देते हमने तो वो क्लासेस भी रखी थी उत्तर लेखन की क्लासेस उसमें भी किसी ने कोई उत्तर लेखन नहीं किया चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर स्ट्रोक मेंटोरशिप प्रोग्राम का समय हो गया है उन छात्रों को भी कुछ बच्चे हैं जिनको हम एक फ्री में कार्यक्रम रन करते हैं जो बच्चे मीन्स दे रहे हैं पूरी कोशिश रहती है कि वो अपना बेस्ट दे पाए आप लोग भी जल्दी से अपना प्रिलिम्स पास करिए और ये भूगोल को तो कच्चा चबा जाइए यार इसमें बचा ही क्या है भूगोल एक ऐसा विषय है जो समझ में आ गया उसके बाद कोई टेंशन नहीं धन्यवाद गुड नाइट जय हिंद